एपिसोड 291, ध्रुव के पास क्या प्लान है। ध्रुव ने जब ये कहा कि जब वो ध्यान कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई ऐसा संकट जो शायद बंजारन से भी बड़ा होने वाला है। ये सुनकर विक्की और जुल्मी दोनों ही घबरा गए। विक्की ने घबराते हुए पूछा, तो कहना क्या चाहता है कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। ध्रुव ने कहा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। तारा जो दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसने अनन्या के कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, क्या हो गया, क्या कुछ नहीं कह सकते। विक्की बोला, ये देखो तारा, ये ध्रुव क्या कह रहा है। तारा ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो तुम ध्रुव। ध्रुव ने वही चीज दोहराई जो अभी अभी उसने विक्की और जुल्मी से कही थी। ये सुनकर तारा भी सोच में पड़ गई। तारा ने बारी बारी से वहां मौजूद उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा और फिर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना ध्रुव कि तुम इन सब के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अब तक तुम्हारे दिमाग से चीजें निकली नहीं है, इसलिए तुमने ऐसा सब कुछ देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बंजारन फिर से कैद हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ सोचना ही है तो अच्छा अच्छा सोचो, ये सोचो कि कैसे हम सजनी और जुल्मी की शादी अच्छे से करवा के यहाँ से चले। ये सुनकर ध्रुव भी चुप हो गया और फिर बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। विक्की बोला, शायद नहीं, मुझे तो लगता है तारा बिल्कुल ही सच कह रही है। तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए तेरे ख्यालों में भी यही चीजें चल रही हैं। और अगर तुझे ध्यान लगाना है, साधना ही करनी है, तो अपनी शक्तियों को इनहेल्प करने के लिए करना। जहां तुझे अभी भी कंफ्यूजन है, उन चीजों को ढूंढ और अपने बारे में जान। ये जो ध्रुव और देवदत्त के बीच में तू जूझ रहा है ना, तो उससे निकलने का रास्ता देख, क्योंकि ना तो तू देवदत्त ही बन रहा है और ना ही तू ध्रुव की जिंदगी जी पा रहा है। और बुरा मत मानना, लेकिन इस वजह से तेरे साथ साथ अनन्या भी सफर कर रही है। ध्रुव चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसने कह तो दिया था कि तारा जो कह रही है ऐसा संभव है, लेकिन उसका मन अभी भी उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल मचनी शुरू हो गई थी। वो अपने दिमाग में बस यही सोच रहा था कि इतना स्पष्ट सब कुछ महसूस होना, ऐसा पूर्वाभास होना, ये कोई वहम नहीं है, तो ये क्या है। उस रात बाकी सब तो सुकून से सो गए थे, लेकिन ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ध्रुव चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। इसी बेचैनी में सुबह हो चुकी थी और सुबह सुबह ही सजनी इनके घर आ चुकी थी। विक्की ने जैसे ही दरवाजा खोला, सजनी धड़धड़ाते हुए अंदर आई और बोली, कहाँ है वो। विक्की हैरानी से बोला, कौन कहाँ है। सजनी ने कहा, इतने भोले मत बनो, बताओ कहाँ है वो जुल्मी, हम भी तो देखें कि कौन सा मंत्र मारकर उसने हमारे घर वालों को प्रभावित किया है कि हमारे घर वाले उसके नाम की माला जप रहे हैं और उस बुढ़ो को मना करके अब चाहते हैं कि हमारी शादी जुल्मी से हो जाए। विक्की बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये तो तुम भी चाहती थी। तुमने खुद ही तारा के सामने एक्सेप्ट किया था कि तुम जुल्मी को पसंद करती हो, और जुल्मी तुम्हारे घर वालों को प्रभावित करने के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है, और जब वो मान गए तो तुम इस तरीके से क्यों मना कर रही हो। सजनी तुनकती हुई बोली, अरे हम कब बोले कि हम मना कर रहे हैं, हम तो बस ये चाहते थे कि वो सबसे पहले ये बात हमसे करे, हमारी सहमति जाने, फिर हमारे घर वालों से बात करे, लेकिन वो तो सीधा हमारे घर वालों को ही प्रभावित करने पहुंच गया। सजनी की इस बात पर विक्की कुछ बोलता उससे पहले जुल्मी की आवाज आई, वो तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं अगर तुम मना कर देती तो तुम्हारे घर वाले अगर माने रहेंगे ना तो ये रिश्ता तो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे मानने के बाद भी अगर तुम्हारे घर वाले इनकार कर देंगे तब हम क्या करते, इसलिए हम पहले तुम्हारे घर वालों को, खासकर तुम्हारे उस पहलवान मनवा भैया को मनाए हैं। वैसे अब तुम बता दो, तुम हमको मना कर रही हो क्या। जुल्मी की बात पर सजनी बोली, मना करना होता तो सीधा अपने घर वालों के सामने मना करते, यहाँ तुमसे बात करने नहीं आते, वो भी सुबह सवेरे। तुमको पता भी है हम पहले तुम्हारे घर गए थे, वहाँ पता चला तुम यहाँ पड़े हुए हो तो यहाँ आए हैं। सजनी की बात पर जुल्मी कुछ बोलने को हुआ ही था कि विक्की ने कहा, अरे बेवकूफ, ये मना नहीं कर रही है बल्कि ये भी अपनी सहमति जता रही है, इसका मतलब है कि सजनी भी तुझसे शादी करना चाहती है। जुल्मी ये सुनकर एकदम हैरानी से सजनी की तरफ देखने लगा और खुशी से कूदता हुआ बोला, सच, तुम सच कह रही हो। सजनी शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाकर रसोई की तरफ भाग गई और जुल्मी बेवकूफ खड़े उसे जाते देखता रहा। विक्की ने कहा, अरे मेरे छोले पहलवान, तू यहाँ क्या कर रहा है, इससे अच्छी गुड मॉर्निंग और क्या हो सकती थी तेरे लिए, भाग कर जा और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जुल्मी शर्मा कर लहराते हुए बोला, इतना तो हम भी जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है, हम भी बहुत सलीमा देखते हैं। इतना कहकर जुल्मी लहराता हुआ रसोई की तरफ भागा। विक्की ने कहा, सच में इतना लहराओ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जुल्मी जब रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि सजनी चुपचाप सब्जियां छांटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी सब्जी को उठाती तो किसी को रखती,
और ये चीज सजनी बार बार कर रही थी। जुल्मी समझ रहा था कि सजनी नर्वस हो रही है। जुल्मी धीरे धीरे सजनी के नजदीक गया और उसके हाथ को एकदम से पकड़ता हुआ बोला, ऐसे अगर तुम्हारे हाथ कांपेंगे और इस तरीके से कमजोरी से काम करोगी तो हमारे आने वाले बच्चे को कैसे थाम पाओगी? ऐसे तुम हमारे बच्चे को गिराई दोगी? सजनी जुल्मी के पेट पर कोहनी से मारती हुई बोली, चलो हटो, हम तो एक हाथ में हमारे बच्चे को संभाल सकते हैं, दूसरे हाथ से तुमको। जुल्मी भी सजनी की तरह शर्माता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, बच्चों के लिए तो हमारी अम्मा और हमारे बापू ही काफी हैं। तुम तो बस हमको संभाल लेना, क्योंकि हमारे अम्मा बापू हमको संभाल नहीं पाते हैं। हमारी अम्मा कहती है जब हमारी जोड़ी आएगी तो वही हमको संभाल पाएगी। जुल्मी की बात पर सजनी एकदम से शर्मा कर बोली, अभी तो शादी भी नहीं हुआ है, अभी से तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? जुल्मी बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा शादी एक हफ्ते के भीतर हो जाएगा, तो पहले से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी ना। सजनी हैरानी से बोली, एक हफ्ता के अंदर शादी? लेकिन कैसे हो सकता है? हमको तो लगता नहीं है कि तुम्हारी अम्मा हमारी शादी के लिए मानेंगी। आज भी जब हम तुम्हारे घर गए थे तुमको ढूंढने, तो तुम्हारी अम्मा हमको डांट कर भगा दी। हमको नहीं लगता है कि तुम्हारी अम्मा हमको जरा भी पसंद करती हैं। जुल्मी ने सजनी का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे दोस्त है ना, वो लोग बोले हैं वो सब ठीक कर देंगे। और वैसे भी हमारी अम्मा को तुम बुरी नहीं लगती हो, हमारी अम्मा को तो तुम्हारा वो पहलवान भाई मनवा बुरा लगता है। जुल्मी और सजनी की बातें काफी देर तक चलती रही। दोनों अपने आने वाले सुंदर भविष्य के सपने सच होते देख रहे थे और अपनी बचकानी बातों में खोए रहे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इसी तरीके से बात करते रहे। तभी एक साथ दरवाजे पर विक्की तारा और ध्रुव की आवाज आई, अगर तुम लोगों की एक फिल्म बन गई हो तो हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा या आज तुम्हारी बातों से पेट भरना पड़ेगा? उन तीनों की बात सुनकर एकदम से जुल्मी और सजनी एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो गए। सजनी शर्माकर इधर उधर देखने लगी, वो हड़बड़ाने लगी और वो चाय चढ़ाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सजनी की इस हड़बड़ाहट पर वो तीनों ही जोर जोर से हंसने लगे थे। जुल्मी ने उन्हें घूरते हुए कहा, सच में बड़े निर्लज हो तुम लोग, लोग कहते थे शहर वालों में लाज शर्म नहीं है, आज तो देख भी लिया, यहाँ दो प्रेमी जोड़ा आपस में बात कर रहे हैं और तुम लोग उसका आनंद ले रहे हो। हमारी नजरों से दूर हो जाओ तुम तीनों। विक्की अपने हाथों को बांधता हुआ बोला, भाई हम तो दूर नहीं हो सकते क्योंकि ये घर हमारा ही है। दूर होना है तो तू दूर हो जा, और दूर होकर कहाँ जाएगा? जाएगा तो अपने घर ही, वहां से दूर कहाँ जा पाएगा। जुल्मी जल्दी जल्दी रसोई से बाहर निकलता हुआ बोला, तुम तीनों को तो हम बाद में देखेंगे और विक्की तुमको तो बहुत अच्छे से देखेंगे। विक्की और ध्रुव जुल्मी के पीछे चल पड़े और तारा सजनी के पास आकर बोली, सजनी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुमने समझदारी से काम लिया, अपने दिल की सुनी, अपने दिल पर अपने घमंड और अपनी गलत सोच को हावी नहीं होने दिया तुमने, अपनी गलत फहमी के पीछे छुपे अपने प्यार को समझा और जुल्मी को एक मौका दिया, उसे अपनाया, और यकीन मानो तो जुल्मी से अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। सजनी ने कहा, हम जानते हैं तारा, तुमने हमारा गलत फहमी दूर किया, हम बहुत सोचे जुल्मी का, हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला किया, और यकीन मानो आज हम दिल से खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन एक बात कहें, तुमको भी विक्की से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। देखो हम जानते हैं तुम्हारा घर परिवार में कोई नहीं है जो तुम्हारा अच्छा बुरा सोच सके, लेकिन तुम खुद इतनी समझदार हो कि अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो, तो हम तो यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सके विक्की से अपने दिल की बात कह दो और अपने रिश्ते को एक नया नाम दो। तारा बोली, मैं जानती हूँ सजनी, और यकीन मानो मैं ना बस तुम्हारे और जुल्मी की शादी का इंतजार कर रही हूँ। सजनी बोली, हमारा और जुल्मी का शादी? लेकिन क्यों, उससे तुम दोनों के रिश्ते का क्या लेना देना? तारा मुस्कुराती हुई बोली, पिछले कुछ वक्त से जो कुछ भी हुआ है ना, वो वक्त सही नहीं था इस तरह की बात को करने के लिए, लेकिन तुम्हारी और जुल्मी की शादी में ना विक्की को प्रपोज करूंगी बल्कि अपनी तमाम फीलिंग बताऊंगी। तुम दोनों की जिंदगी के सबसे खुशी के पल को मैं अपने और विक्की के लिए भी सबसे अहम बनाना चाहती हूँ। मैं सबके सामने विक्की को अपना बनाने की बात करूंगी। तारा की बात पर सजनी एकदम से तारा के गले लग गई और बोली, हमको बहुत खुशी है तुम्हारे लिए और विक्की के लिए भी, अब बस ध्रुव भैया और अनन्या की जिंदगी में भी एक खुशी आ जाए। ध्रुव और अनन्या की बात सुनकर तारा की आंखों में मायूसी साफ दिखने लगी। सजनी तो अपनी बात कहकर अपना काम करने लगी थी, लेकिन तारा अपने मन में बोली, सबकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, सबकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या लिखा हुआ है ध्रुव और अनन्या के नसीब में,
एक दूसरे के लिए इतना कुछ सोचते हुए भी वे दोनों करीब नहीं आ पा रहे हैं। ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा है उन दोनों के लिए। उम्मीद है जो भी होगा अच्छा ही होगा। सब कुछ ठीक लग रहा था। इधर तारा और विकी भी अपने अपने दिल की बात करने को बिल्कुल तैयार थे और इत्तेफाक से वो दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच रहे थे। सजनी और जुल्मी भी एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात करके हल्का महसूस कर रहे थे। अब बस मुसीबत थी तो सिर्फ इतनी कि आखिर कैसे जुल्मी की माँ को मनाया जाए उन दोनों के रिश्ते के लिए। और ध्रुव ने उसके लिए जो प्लानिंग कर रखी थी वक्त आ गया था अब उसको एग्जीक्यूट करने का। जुल्मी जो इन दोनों से नाराज होकर घर से भाग रहा था, विक्की और ध्रुव ने उसे रोका और थोड़ा सा पैम्पर किया, जिसके बाद जुल्मी मान गया। जुल्मी बोला, हम एक ही शर्त पर मानेंगे, पहले हमको ये बताओ कि हमारी अम्मा को मनाने के लिए क्या सोचा है तुमने, क्योंकि सजनी को भी इसी बात का चिंता है। ध्रुव बोला, बहुत सिंपल है, सजनी को तुम्हारी अम्मा की नजर में हीरोइन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि सजनी को तुम्हारी अम्मा के सामने खुद को साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए उससे बेहतर कोई नहीं है। जुल्मी बोला, वो तो हम समझते हैं, वो साबित करने की क्या जरूरत है। ध्रुव ने कहा, समझते तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है ना। और तुम समझते हो कि सजनी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन तुम्हारी अम्मा थोड़ी समझती है, उनको तो एहसास दिलाना पड़ेगा ना। जुल्मी बोला, तो क्या प्लान है तुम्हारा। ध्रुव ने कहा, ऐसे नहीं, पहले सभी को बुलाकर लाते हैं। इतना कहकर ध्रुव ने विकी को इशारा किया तो जल्द ही विकी गया और तारा और सजनी के साथ साथ अनन्या को भी बुलाकर ले आया। अनन्या जो कि अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी पहले के मुकाबले, उसे बड़ी खुशी थी इन लोगों के साथ शामिल होकर कोई काम करने के लिए। सब ध्रुव को घेर कर बैठ चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि अब ध्रुव क्या कहने वाला है। ध्रुव को खामोश देखकर सजनी उत्साहित होती हुई बोली, अरे ध्रुव भैया चुप क्यों हो, जल्दी बोलो। विक्की ने सजनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो कल तक तो उसे जुल्मी से शादी नहीं करनी थी और आज इससे सबर नहीं हो रहा है। सजनी एकदम से शर्माती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस। सजनी के इतना कहते ही ध्रुव ने कहा, अच्छा ठीक है सब चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छा तरकीब है जिसे जुल्मी की अम्मा बहुत आसानी से मान जाएंगी कि जुल्मी के लिए सजनी बेस्ट है और उन दोनों की शादी में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो तुम लोग तैयार हो। और वो सब एक साथ बोले, हम तैयार हैं। और सबसे ऊंची आवाज थी सजनी की, जिसे सुनकर सब जोर से हंस पड़े थे और फिर चुप होकर ध्रुव की बात सुनने लगे थे कि ध्रुव के पास क्या प्लान है। एपिसोड 292, सजनी और जुल्मी की शादी। सब ध्रुव को घेर कर बैठ चुके थे उसका आइडिया जानने के लिए कि आखिर उसका ऐसा क्या आइडिया है जिससे कि जुल्मी की माँ सजनी के लिए मान जाएंगी। ध्रुव उन सबको देखता हुआ बोला, तो दोस्तों आइडिया कुछ ऐसा है, जुल्मी को किसी मुसीबत में फंसना होगा। ध्रुव की बात पर जुल्मी बोला, मुसीबत में, कौन सा मुसीबत में फंस जाएंगे। ध्रुव ने कहा, मेरी बात तो सुनो पहले, तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे, तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा उस मुसीबत से, बल्कि हम सब भी तुम्हारी उस परेशानी में कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, हम सब लाचार होंगे और तब तुम्हें अगर कोई उस मुसीबत से निकालेगी तो वो होगी सजनी। सिंपल बात है, तुम किसी परेशानी में रहोगे और बहुत परेशान रहोगे तो तुम्हारे घर के लोग भी बहुत परेशान रहेंगे। तुम्हारी अम्मा तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं रो रो के पूरा घर सिर पर उठा लेगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा और उस समय सजनी तुम्हें मुसीबत से भी निकाल लेगी और तुम्हारे घर परिवार को भी संभालेगी। तब तुम्हारी अम्मा को लगेगा कि ये है वो लड़की जो अकेले सब कुछ संभालने के लिए काफी है और हमारी सजनी है भी बहुत टैलेंटेड। क्यों सजनी। सजनी बोली, हाँ भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अरे हम बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, तुम लोग तो इतना दिन में समझ ही गए होंगे, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन तुम ये तो बताओ कि ये जुल्मी फंसेगा ऐसा कौन सी मुसीबत में कि इसके साथ साथ सब परेशान होंगे और फिर हमको हीरोइन बनने का मौका मिलेगा। ध्रुव बोला, वो तो मुझे नहीं पता। ध्रुव की इस बात पर सब मुंह फाड़े ध्रुव की तरफ देखने लगे। विकी बोला, वाह तुझे ये पता है कि इसको प्रॉब्लम में फंसाना है, लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि वो प्रॉब्लम कौन सी होगी, वाह मतलब कमाल, ताली तो बनती है। विकी के इतना कहते ही सब ध्रुव की तरफ देखकर ताली बजाने लगे और ध्रुव बोला, हाँ तो इतना सब कुछ तो पता ही है, बस प्रॉब्लम ही तो ढूंढना है, तुम लोग भी तो कुछ करो, तुम लोग प्रॉब्लम ढूंढो और वैसे भी मेरा काम सलूशन ढूंढने का है, प्रॉब्लम नहीं ढूंढता मैं।
विकी ने कहा। हाँ, और कमाल की बात यह है कि तेरा सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम है। सब चुपचाप उपाय ढूंढने में लगे हुए थे। तुम्हें कुछ जलने की बदबू सी आई, विकी ने सोचते सोचते ही कहा। कोई जल रहा है? उसके बगल में बैठा हुआ जुल्मी भी अपने में खोया हुआ था। वो बोला, तुम ही जल रहे होगे हमसे। इनकी बातों पर सजनी दोनों के सिर पर एक चपत लगाती हुई बोली, बेवकूफ, यहाँ कोई इंसान नहीं जल रहा है, हम दूध चढ़ाकर भूल गए, दूध जल रहा है। इतना कहती हुई सजनी किचन की तरफ भागी और जल्दी से दूध का पतीला उतारती हुई बोली, लो, इन लोगों का समस्या और समाधान का खेल चल ही रहा था, समस्या का समाधान तो मिला नहीं, लेकिन हमारे लिए समस्या बन गई। अब हमें इस जले हुए दूध के पतीले को मांझना पड़ेगा। अभी सजनी किचन में ही थी कि उसे अनन्या के उत्साह में चीखने की आवाज आई, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। सजनी भागती हुई बाहर आई तो उसने देखा अनन्या खड़ी होकर एक्साइटेड होकर चिल्ला रही थी। सजनी बोली, क्या मिल गया, कहाँ मिल गया? अनन्या बोली, आइडिया मिल गया। ध्रुव ने जो कहा, जो सोल्यूशन दिया, उस सोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या होगा, वो सोल्यूशन मिल गया। अनन्या की बात पर विकी अपना सिर पीटता हुआ बोला, देखा तो, मैंने कहा नहीं था तारा, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वही प्रॉब्लम है। और देखा नहीं, अभी बेचारी बच्ची इतने दिनों बाद अस्पताल से लौटी है, इसके दिमाग पर कितना जोर पड़ा है, समझ ही नहीं पा रही है कि इसको मिल क्या गया। अनन्या बोली, चुप रहोगे विकी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समझने में इतना टाइम नहीं लगता। तो सजनी, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो कि खुद एक प्रॉब्लम होने वाला है, वो ये है कि जुल्मी की जो अम्मा है उनको सबसे ज्यादा गर्व इसी बात का है ना, कि जुल्मी की नौकरी हवेली में लग गई है, जुल्मी हवेली में अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से तो मनवा भी मान गया जुल्मी और सजनी की शादी के लिए। तो अगर जुल्मी की नौकरी पर ही बात बन जाए तो हम कुछ ऐसा करें कि जुल्मी की नौकरी चली गई हो या बस जाने ही वाली हो, कोई ऐसा हम सीन क्रिएट करें कि एक टाइम के अंदर अगर कुछ नहीं किया गया तो जुल्मी की नौकरी चली जाएगी और एक बार फिर जुल्मी पहले की तरह बेकार सा पाली की सड़कों पर घूमेगा। तो जाहिर सी बात है, ये बात जुल्मी की अम्मा और बाबू के लिए बहुत बड़ी बात होगी और उसके घर में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि वैसे भी अगर लड़का नौकरी ही नहीं कर रहा है तो सजनी क्या, कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं देगा। और उस वक्त सजनी कुछ ऐसा करे कि जुल्मी की नौकरी बच जाए और हम ये प्रूफ कर देंगे कि सजनी की वजह से ही जुल्मी की नौकरी बची है। और सजनी जुल्मी की अम्मा को तो संभाल रही होगी जो रोना गाना कर रही होंगी, उसके घर में खाना नहीं बनेगा, सब परेशान रहेंगे, तो वहाँ पर सजनी सबके खाने पीने की व्यवस्था करेगी, सबका ध्यान रखेगी। तो बस एक ऐसी लड़की जो सब कुछ कर सकती है, उस वक्त हम जाकर जुल्मी की अम्मा को कन्विंस करेंगे कि जुल्मी के लिए सजनी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अनन्या की बात पर कुछ देर तक तो सब उसका मुंह हैरानी से देखते रहे। अनन्या बोली, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? विकी अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों से उसकी बलाई लेते हुए बोला, अनन्या, मुझे नहीं पता था बंजारन की संगत में रहकर और एक हफ्ता अस्पताल में पड़े रहने के बाद तेरे दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी, वैसे तो तेरा बल्ब फ्यूज ही रहता है ना। जुल्मी अनन्या के आसपास खुशी से नाचता हुआ बोला, सच कहें अनन्या जी, हम जब आपको पहली बार देखे थे ना, हम तो तभी समझ गए थे कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान ना तो कोई इस संसार में है और ना ही आपसे ज्यादा सुंदर। वो इतना बोला ही था कि जुल्मी ने देखा सजनी उसे घूर कर देख रही है और जुल्मी तुरंत बोला, हमारा मतलब है कि सजनी के बाद आप ही सबसे सुंदर है। तभी उसने देखा कि तारा भी उसे घूर कर देख रही है और जुल्मी हड़बड़ा कर बोला, अरे देख लो अपने हिसाब से कौन कितना सुंदर है। और इस बात पर तारा, अनन्या और सजनी तीनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब सब कुछ हल्का हो चुका था, माहौल भी ठीक था। तभी एकदम से ध्रुव बोला, लेकिन ये सब तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ बोलूंगा, जहां बिल्कुल स्पष्ट बात होगी मैं सिर्फ वहीं अपना मुंह खोलूंगा। ध्रुव की ये बात किसी के समझ नहीं आई। विकी ने कहा, क्या मतलब है तेरा? ध्रुव ने कहा, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं झूठ बोलकर कोई चीज करवा लूंगा। विकी ने कहा, ये अच्छा है, आइडिया तू दे और फिर तू बोले कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ध्रुव ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि झूठ का कोई आइडिया क्रिएट करो, वो तो तुम लोगों ने खुद किया, मैंने बस ये कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें सजनी हीरोइन बन जाए, ये तो तुम लोगों ने ढूंढा। विकी हाथ जोड़ता हुआ बोला, ठीक है गुरुजी, आप अपने मुंह का शटर बंद रखिएगा, हम लोग देख लेंगे, लेकिन संभाल लीजिएगा। इस बात पर ध्रुव बस मुस्कुरा उठा। प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया था। जुल्मी उदास मन लेकर अपने घर पहुंच चुका था। जुल्मी की अम्मा जो दिन का खाना बनाने की तैयारी में थी, उन्होंने जब देखा जुल्मी घर आ गया है तो उन्होंने पूछा, क्या रे जुल्मी, तू तो उधर ही से हवेली जाने वाला था ना, तू इस वक्त घर पर क्या कर रहा है?
जुल्मी बिना कुछ बोले मुंह लटकाकर वहीं अपनी अम्मा के बगल में बैठ गया और उनके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। जुल्मी की अम्मा जुल्मी को इस तरह मायूस देखकर थोड़ा परेशान दिखने लगी और उन्होंने बोला, क्या हो गया बिटवा, सब ठीक तो है? जुल्मी मायूसी से बोला, कुछ ठीक नहीं अम्मा, सब खत्म हो गया। जुल्मी की अम्मा घबरा कर बोली, खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? जुल्मी बोला, अम्मा जिंदगी में पहली बार तुमको हम पर गर्व हुआ था ना कि हमको हवेली में काम मिला है, हम अच्छा कमाते हैं, गांव में कितना नाम हो रहा था तुम लोगों का, हमको हवेली का सारा जिम्मेदारी मिल रहा था, हम मनवा की तरह हवेली में खास हो रहे थे। जुल्मी की अम्मा बोली, हाँ वो तो है, वो तो हमको अभी भी नाज है तुम पर, हमारा जैसा बेटा भगवान सबको दे। जुल्मी बोला, नहीं अम्मा, हमारा जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे, तुम लोग कितना खुश थे लेकिन हम उस खुशी को बरकरार नहीं रख पाए। जुल्मी अपनी एक्टिंग में था और उसकी अम्मा नर्वस होते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? जुल्मी ने कहा, हमको नौकरी से निकाला जाने वाला है। ये सुनकर जुल्मी की अम्मा एकदम से खड़ी होकर बोली, क्या क्या कहा तू? तुमको नौकरी से क्यों निकाला जाएगा? तू तो इतना मन लगाकर काम करता है ना। जुल्मी ने कहा, वो तो है लेकिन हमसे गलती हो गया है और उस वजह से हमको नौकरी से निकाला जाएगा। कल सुबह तक अगर हम अपने आप को बेकसूर नहीं साबित कर पाए ना तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। जुल्मी की अम्मा बोली, ऐसा कौन सा गलती कर दिया है तुम? इस सवाल पर जुल्मी कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो अपने मन में बोला, अरे पहले हमको तो पता चल जाए हम कौन सा गलती किए हैं, ये तो उन लोगों ने हमको बताया ही नहीं, अब क्या करे। जुल्मी बोला, वो मत पूछो, वो हवेली का कॉन्फिडेंस वाला बात है। उसकी अम्मा को समझ नहीं आया तो वो बोली, कौन सा वाला बात है? जुल्मी ने कहा, अरे बहुत व्यक्तिगत है हवेली का, वो सबके सामने नहीं हो सकता, तुम हमारी अम्मा हो तो क्या हुआ, लेकिन हम हवेली में काम करते हैं और ये हमारा जिम्मेदारी है कि उसकी बात हम कहीं बाहर ना जाने दें। ये सुनते के साथ ही जुल्मी की माँ का रोना पीटना शुरू हो गया। जुल्मी के बापू भी आए, उन्हें भी पता चला तो वो भी चिंता में आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों से बात करो, उन लोगों के पास हर समस्या का समाधान है, और तारा बिटिया वो तो बड़े मालिक के दोस्त की बेटी है, वो चाहे तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। जुल्मी की अम्मा भी इस बात पर सहमत थी। जुल्मी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं बाबू, ये तो हम सोचे ही नहीं। इससे पहले जुल्मी कुछ और बोलता दरवाजे पर उसके दोस्तों की आवाज आई, वो सब बड़े ही गंभीर तरीके से भीतर आते दिख रहे थे। विकी ने चिंता जताते हुए कहा, क्या बात है जुल्मी, मैंने सुना तू हवेली से वापस आ गया है और तुझे हवेली में काम से निकाला जा रहा है। जुल्मी ने बस उदासी से अपनी गर्दन हिला दी और विक्की ध्रुव की तरफ देखता हुआ बोला, ध्रुव तू क्या कहता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ध्रुव ने कहा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, अगर समस्या आई है तो उसका सलूशन भी निकलेगा। और प्लान के मुताबिक ठीक उसी वक्त सजनी आई और बोली, ये हम क्या सुन रहे हैं, तुमको हवेली से निकाल रहे हैं, पर क्यों? और अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम हमारे मनवा भैया से क्यों नहीं बात किए, हमसे क्यों नहीं बात किए? जुल्मी बोला, हमको भी अभी अभी पता चला है और हम इतना परेशान हो गए कि हम किसी से बात नहीं कर पाए। सजनी ने देखा कि तारा उसे कुछ इशारा कर रही थी और सजनी ने देखा जुल्मी की अम्मा एकदम परेशान है, घबराई हुई बैठी है, उसके बापू भी परेशान है। सजनी तुरंत आगे बढ़ी और ग्लास में पानी लेकर आई और जुल्मी की अम्मा और बाबू को देते हुए बोली, बाबू इतना परेशान नहीं होते हैं, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे और हमारे मनवा भैया को बोलेंगे, उनके होते हुए कोई इसको नहीं निकाल सकता हवेली से, हम बात करेंगे उनसे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग पानी पीजिए और बस हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जुल्मी के बापू पानी पीते हुए सजनी से बोले, जीती रहो बिटिया, और फिर उन्होंने जुल्मी को कहा, लेकिन जुल्मी तूने अब तक ये तो बताया नहीं कि समस्या क्या हो गई है कि तेरी नौकरी पर बात आ गई। जुल्मी के बापू के साथ साथ बाकी सब भी जुल्मी की तरफ देख रहे थे कि आखिर जुल्मी ने कौन सी समस्या का नाम लिया है। जुल्मी बोला, हम बोले ना कि वो हम नहीं बता सकते, वो बहुत व्यक्तिगत है हवेली का, इस बारे में किसी बाहर वाले से बात नहीं किया जा सकता है, अरे हम वहाँ काम करते हैं, हमारा कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? जुल्मी इतना कहकर चुप हो गया और धीरे से तारा के कान में बोला, मतलब समझ नहीं आया कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो बस चलो कम से कम काम तो बन रहा है ना। जुल्मी के माँ बापू को पानी पिलाने के बाद सजनी बोली, अम्मा आप आराम करिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। सबको वहाँ छोड़कर सजनी तुरंत घर से बाहर चली गई और सब वहीं सजनी का इंतजार करते रहे। वहाँ बैठे बैठे आधे घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन अब तक सजनी नहीं आई। विक्की ने कहा, ये सजनी लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई, कहीं सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने लगी। तभी उन्हें सजनी आती दिखी। सजनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी
और सजनी ने कहा, हम तो बोले ही थे हमारे होते हुए जुल्मी को कुछ नहीं हो सकता। हम भैया से बात किए और भैया ने सब ठीक कर दिया। आप लोग बेमतलब चिंता कर रहे थे। ये सुनकर जुल्मी की अम्मा बोली, सच बिटिया, सब ठीक हो गया? मतलब अब जुल्मी की नौकरी नहीं जाएगी? सजनी ने कहा, नहीं अम्मा, हमने कहा ना हमारे होते हुए जुल्मी की नौकरी तो क्या एक बाल भी नहीं जाएगा, सब ठीक है। और जुल्मी तू जा, तू फिर से काम पर जा सकता है। और वैसे भी भैया कह रहे थे ये कोई बड़ा बात नहीं था, तू ठीक से बात नहीं कर पाया, ये कोई गलत फहमी था जो भैया ने दूर कर दिया है, अब सब ठीक है। ये सब कुछ देख रहे जुल्मी के बापू बोले, बड़ा अलग तरह का समस्या था, इतना जल्दी सुलझ भी गया, इसके नौकरी पर भी बात आ गया, इतना जल्दी समाधान भी हो गया। और जुल्मी के बापू की बात सुनकर सब सक पका गए। सचनी ने बात बदलते हुए कहा, अम्मा बहुत ज्यादा घबरा गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा आप बैठिए, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। और मैं तो कहती हूँ मैं यहीं पर सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ, सब साथ में खाएंगे। जुल्मी की नौकरी बचने की खुशी में दावत तो बनता है। वहीं पर सचनी सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लगी। तारा और अनन्या भी सचनी का हाथ बटा रहे थे। जुल्मी की अम्मा एकटक सचनी की तरफ देख रही थी। ध्रुव ने जब ये देखा तो उनसे पूछा, क्या बात है अम्मा, क्या देख रही हैं आप? जुल्मी की अम्मा बोली, देख रहे हैं बेटा कि इस लड़की में क्या खराबी है। हम इसका भाई के वजह से इसको इनकार कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है हमारे बेटे के लिए सचनी बहुत सही लड़की है। ध्रुव ने तुरंत कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, माना कि वक्त लगता है लोगों को पहचानने में, लेकिन हाँ देर से सही, फैसला सही करना चाहिए। जुल्मी के लिए सचनी से अच्छी और कोई लड़की मिल ही नहीं सकती, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। जुल्मी की अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, तुम लोगों की वजह से हमारा जुल्मी बहुत संभल गया है, वो क्या था और क्या बन गया है। अगर तुम लोग इस बात का विश्वास दिलाते हो कि हमारे जुल्मी के लिए और हमारे परिवार के लिए सजनी ही बहुत सही है तो ठीक है, हमको जुल्मी और सजनी का रिश्ता मंजूर है। हम आज ही सजनी के घर जाएंगे और शादी की बात पक्का करेंगे। तुम लोग बैठो, हम बाहर से पानी भर कर ला देते हैं। ये कहकर जुल्मी की अम्मा बाहर चली गई और जुल्मी के बापू भी किसी काम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही सब जुल्मी और सजनी को घेर कर खड़े हो गए और एक साथ बोले, तुम्हारी शादी पक्की, चलो अब इनकी शादी की तैयारियां की जाए। जुल्मी आगे बढ़कर विक्की और ध्रुव के गले लग गया और वहीं तारा और अनन्या ने सजनी को गले से लगा लिया। एपिसोड 293, आया ध्रुव को छलने। जुल्मी और सजनी की शादी के रास्ते में सारे रुकावट हट चुके थे। सजनी के घर वाले तो पहले ही मान चुके थे और अब जुल्मी के घर वाले भी मान चुके थे, और अब बारी थी जुल्मी और सजनी की शादी की तैयारी की। अगले दिन ही जुल्मी के घर वाले और सजनी के घर वाले मिलकर सारी चीजें पक्की कर चुके थे। शादी की डेट आगे थी, लेकिन जुल्मी ने कहा कि उसके दोस्त चले जाएंगे, इसलिए वो चाहता है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। और इस तरह सबसे नजदीक का जो मुहूर्त था, जो 5 दिन बाद का था, वो तारीख पक्की की गई। हालांकि घर वालों को इस बात की चिंता थी कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी, लेकिन जुल्मी के दोस्तों ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ये कहा कि ऐसी शादी होगी कि पूरा पाली देखता रह जाएगा। और वाकई में जैसा कि इन लोगों ने कहा था, पूरे पाली में उत्साह का माहौल था। जुल्मी के घर के जितने मेहमान आए थे, उन सबको विक्की ने अपने घर पर ही ठहराया था। इन सबका जुल्मी के घर आना जाना बढ़ गया था, बल्कि यूं कहो कि उधर ही पड़े रहते थे। शादी से 2-1 दिन पहले ही संगीत, हल्दी और मेहंदी तीनों ही रस्म रखी गई थी, क्योंकि समय कम था तो 1-1 दिन समय नहीं लिया जा सकता था। उस सुबह ही मनवा आया और उसने विक्की से कहा, विक्की हमारी बहन रजनी आ रही है कल सवेरे, तो बस अड्डे जाकर उसको तुम लोग ले आओगे? विक्की ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, और मैं नहीं जा पाऊंगा तो ध्रुव चला जाएगा। क्यों ध्रुव, तू जाकर ले आएगा ना रजनी बुआ जी को? ध्रुव बहुत आराम से बोला, मैं ले आऊंगा। मनवा जो कि जरूरी सामान लाया था, वो सब छोड़कर वहां से चला गया। और मनवा के जाते ही विक्की ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो इतनी आराम से मान गया। ध्रुव बोला, तो क्या हो गया? विक्की ने कहा, तू भूल गया वो तुम पर किस तरह की नजर रखती थी? ध्रुव ने कहा, विक्की ये ठीक बात नहीं है, तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो समय में बहुत पिछली बात है, अभी समय बदल गया है, वो बदल गई है, हम सब बदल गए हैं। जिस समय में हम गए थे, उस समय में वो हमारी हमउम्र हुआ करती थी, इस वजह से उनकी नजर या उनकी भावनाएं अलग थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस बात को लेकर अब कोई मजाक नहीं करोगे, ये बहुत गलत चीज है। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया और विक्की मुंह बनाता हुआ बोला, सड़े हुए इंसान कहीं के,
कोई रस नहीं रह गया इसके भीतर, बिल्कुल निचोड़ा हुआ नींबू हो गया है। एक तरफ जहां सारे लोग मिलकर जुल्मी और सजनी की शादी की तैयारी में मगन थे, वहीं दूसरी तरफ अलग थलग पड़ा छलावा अपने में ही मगन था। उसे इस बात की खबर तो थी कि जुल्मी की शादी हो रही है, लेकिन उसे अब इन चीजों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। बल्कि उसके दिमाग में तो यही सब घूम रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन और वो उसकी मदद क्यों करना चाहता था। दो दिन निकल गए थे, लेकिन छलावा सिर्फ सोचने में लगा हुआ था। बल्कि वो उस रात भी वहां नहीं गया जब उस शख्स ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तीसरे दिन सुबह जब छलावा को लगा कि नहीं, उसे एक बार तो मिलना चाहिए, क्योंकि इन दो तीन दिनों में उसकी बात चेरी से भी नहीं हो पा रही है और अकेले में वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता था, इसलिए छलावा ने ये सोचा कि क्या पता वो शख्स वहां आया हो और वहां जाकर कुछ उसके बारे में क्लू मिले। छलावा वशीकरण खंडहर की तरफ बढ़ रहा था। शाम होने के करीब थी। छलावा वशीकरण खंडहर के नजदीक पहुंच चुका था और वहां हर जगह देख रहा था कि अगर वो शख्स आया होगा तो क्या उसने छलावा के लिए कोई निशानी या कोई मैसेज छोड़ा है। छलावा ने काफी देर तक वहां देखा, आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये लगे कि वो शख्स यहां आया भी था। अंत में छलावा वापस अपने घर की तरफ बढ़ चला। छलावा के दिमाग में यही सब चल रहा था कि आखिर वो था कौन। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो क्यों नहीं आया कल और उससे एक बार क्यों नहीं मिला। क्या पता वाकई में वो कोई मददगार रहा हो। यही सब सोचते सोचते जब छलावा अपने घर के बाहर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसके घर के दरवाजे पर एक लिफाफा चिपका हुआ था। छलावा ने जल्दी से जाकर उस लिफाफे को निकाला। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। छलावा को समझते देर नहीं लगी कि ये चिट्ठी उसी शख्स की है। छलावा जैसे जैसे उस चिट्ठी को पढ़ता जा रहा था, छलावा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। अगली सुबह विक्की किसी और काम में व्यस्त था और ध्रुव तब तक रजनी को लेकर वापस आ चुका था। सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। तारा, अनन्या और सजनी तीनों लड़कियां तो अपने कपड़े और ज्वेलरी के सिलेक्शन में ही बिजी थी। तारा और अनन्या मिलकर सजनी को बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी और बाकी सारी चीजें फाइनल कर रही थी कि सजनी किसमें क्या पहनने वाली है। इन्हीं सब के बीच में अचानक छलावा मनवा के घर आ पहुंचा। छलावा को देखकर मनवा ने कहा, अरे छलावा, कहाँ रहता है तू आजकल? तेरे सारे चंगू मंगू तो लगे रहते हैं शादी की तैयारी में, लेकिन तू तो एक बार भी नहीं दिखा। अरे जुल्मी तेरा बचपन का दोस्त है, तुम लोग साथ पले बड़े हो, सजनी तुमको बड़ा भाई मानती है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? छलावा मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल बनती है मनवा भैया, तभी तो आया हूँ। माफ करना, कुछ काम में व्यस्त था। आपको तो पता ही है, बाबा के जाने के बाद खेत वगैरह की जिम्मेदारी भी मेरे ही सर है, तो उन सब में थोड़ा वक्त लग गया। अब मैं यही हूँ, आप बताइए क्या करना है, सब हो जाएगा। इतने में ही सजनी, अनन्या, तारा और अपनी बाकी की कुछ सहेलियों के साथ बाहर आती दिखी थी। छलावा ने मुस्कुराते हुए सजनी से कहा, सजनी बहुत प्यारी लग रही है, बस कहने को ही भैया बोलती है, शादी करने जा रही है लेकिन मुझे खबर तक नहीं। सजनी ने कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोला था, लेकिन वहां मनवा और बाकी लोगों की मौजूदगी को देखते हुए उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, भाई को बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है छलावा भैया, बहन की शादी अपने आप में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाइयों को तो पता चल ही जाता है। मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर जाना है पूजा करने। इतना कहकर सजनी चली गई। तारा ने जाते जाते छलावा को देखा। छलावा की आंखों में अब तारा को पहली वाली निर्मलता नहीं दिखती थी। उसे छलावा की आंखों में इतने रहस्य नजर आते थे कि तारा को लगता था कि छलावा की आंखों में शायद ज्यादा देर तक देखा भी नहीं जा सकता। छलावा तारा की तरफ देखकर बस मुस्कुरा उठा और तारा भी जबरदस्ती मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई। उसके बाद मनवा ने छलावा से कहा, अब तो आ ही गया है, टेंट वगैरह का इंतजाम देख ले और एक बार जुल्मी के यहाँ भी हुआ। छलावा ने कहा, बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा था। इतना कहकर छलावा जुल्मी के घर की तरफ निकल गया। जुल्मी के घर पर जहाँ बाकी मेहमानों के साथ साथ विक्की और ध्रुव भी पहले से मौजूद थे और जुल्मी के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, छलावा को वहां देखकर वो तीनों ही बिल्कुल शांत हो गए। बल्कि जुल्मी की आंखों में तो छलावा को देखकर डर सा भी लग रहा था। जुल्मी धीरे से बोला, यहाँ क्या करने आया है? विक्की ने कहा, आया होगा रंग में भंग डालने, और इसको आता ही क्या है। उन दोनों को शांत करते हुए ध्रुव बोला, चुप रहो तुम लोग। और ध्रुव ने छलावा से कहा, मुझे तो लगा था कि शादी में शामिल ही नहीं होगे। छलावा ने कहा, बुलाया तो किसी ने नहीं, सोचा लोग अपनी दोस्ती भूल सकते हैं पर मैं तो नहीं भूल सकता, मगर मैं भी भूल गया और फिर मैंने सोचा कि मुझ में क्या अंतर रह जाएगा, इसीलिए मैं खुद आ गया अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने। इतना कहता हुआ छलावा जाकर जुल्मी के गले लग गया। जुल्मी को छलावा को इतने नजदीक महसूस करके घबराहट हो रही थी, या यूं कहें कि उसे डर भी लग रहा था।
लेकिन छलावा जुल्मी का दोस्त था और अगर अभी वो छलावा से अलग होता है या उससे डरता तो सबकी नजरें उन लोगों पर टिक जाती। इसलिए जुल्मी ने बड़ी हिम्मत करके कहा, अच्छा किया तू आ गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन छलावा की नजर बार बार ध्रुव पर जा रही थी। ध्रुव ने जब देखा छलावा बार बार उसकी तरफ ही देख रहा है तो उसने छलावा को अपने साथ लिया और एक तरफ आता हुआ बोला, क्या बात है छलावा, सब ठीक तो है? मैं देख रहा हूँ जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है बता। छलावा बोला, देखो मुझे नहीं पता तुम लोग इस बात को किस तरीके से लोगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ, और जैसी परिस्थितियां थी मुझे नहीं लगता कि मैं भी गलत था। खैर तुमने जो किया वो मेरी नजर में गलत था, और सच कहूं ध्रुव तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया और मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा बढ़ गया, इसलिए मैं उसके बाद कुछ सोच समझ नहीं पाया। लेकिन जब मैंने सोचा तो आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो तुमने मुझे समझाया, उसके बाद से मैं लगातार बस सोच रहा था तुम्हारी हर एक बात के बारे में। फिर मुझे एहसास हुआ कि शक्तियां तो हम दोनों के पास है। हाँ फर्क इतना है कि मेरी शक्ति अंधेरे से आई है और तुम्हारी शक्तियां रोशनी का प्रतीक है, और शायद यही अंतर होता है अंधेरे और रोशनी में। अंधेरा कभी भी दिखने नहीं देता और रोशनी कहीं भी रास्ता ढूंढ लेती है। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे अपना दोस्त बनाने को तैयार थे और मैं तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का कदम नहीं बढ़ा पाया। इतना कहते कहते छलावा चुप हो गया। तब ध्रुव ने कहा, तो अब तुम क्या चाहते हो? छलावा ने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं एक मौका चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर सब कुछ वहीं से शुरू करें जहाँ हमने छोड़ा था। मैं वही विश्वास चाहता हूँ, वही अपनापन चाहता हूँ, वही साथ चाहता हूँ, क्योंकि ध्रुव मैं अकेला हूँ। पहले जब मुझसे गलती हुई थी तब मुझे लगा था कि मुझे मेरी माँ वापस मिल रही है, मेरी बहन मिल रही है, लेकिन देखो ना मैं एक बार फिर अकेला हूँ। पिछली बार तुम थे मुझे संभालने के लिए, अगर इस बार तुमने मुझे नहीं संभाला तो शायद मैं। इतना कहते कहते छलावा की आंखें भर आई और उसका गला भारी हो गया। ध्रुव ने छलावा के कंधे पर हाथ रखा और उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, हमारे लिए तो तुम कभी पराए ही नहीं थे, तुम आज भी हमारे लिए वही छलावा हो जिससे हम पहली बार मिले थे, जिसके साथ हमने इतने अच्छे पल बिताए हैं। ध्रुव की बात सुनते ही छलावा ध्रुव के गले लग गया और बोला, मुझे यकीन था ध्रुव, हमेशा की तरह कोई और यकीन करे ना करे पर तुम मुझ पर जरूर यकीन करोगे, और तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी नफरत नहीं भर सकती, सच कहूं तो मैं यही बात करने आया था। ध्रुव छलावा की आंखों में देखता हुआ बोला, वो तो मैं तुम्हें यहाँ देखकर ही समझ गया था कि तुम बहुत गहरी बात करने यहाँ आए हो, बेमतलब नहीं आए हो और ना ही शादी अटेंड करने। खैर मेरी तरफ से तुम्हारे मन में कोई गुबार नहीं है, हाँ बाकी सबको वक्त जरूर लगेगा। तुम्ही ने वो माला और गांठ वाली बात कही थी ना, तो वक्त लगेगा छलावा, और हो सकता है तुम्हें लोगों के नफरत का भी सामना करना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहना। छलावा बोला, तुम परेशान मत हो, मैं सबको मना लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, और मेरा विश्वास है कि जुल्मी की शादी में ही मैं सब सही कर दूंगा। इतना कहकर छलावा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। छलावा के जाते ही विकी ने कहा, क्या कह रहा था ये? और ये जो कह रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तूने क्या कहा? तू इसे वापस हमारी टीम में शामिल कर रहा है, तू वापस इसे हमारा दोस्त बना रहा है, सब कुछ जानते हुए भी। सच में ध्रुव बेवकूफ था, ये तो मुझे पता था, लेकिन देव। इतना कहते कहते विकी चुप हुआ और इधर उधर देखता हुआ धीरे से बोला, लेकिन देवदत्त भी ऐसे ही थे क्या? ध्रुव बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें वाकई में लगता है कि छलावा ने जो भी कहा है वो सब सच है विकी? छलावा का एक एक शब्द झूठ है, छलावा के एक एक भावनाएं जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है उन सब में फरेब है। छलावा हमारे पास किसी नेक मकसद के लिए नहीं आया है। छलावा की आंखें देखो, वो छलावा है ही नहीं, अब वो छलावा हो गया है जो लोगों को ठगना जानता है, लोगों को छलना जानता है। विकी हैरानी से बोला, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया, बल्कि उसे गले भी लगाया? ध्रुव ने कहा, यही तो बात है विकी, जो समझने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। अगर अभी मैंने उसे इनकार कर दिया होता या दूर हटा दिया होता और उसे ये एहसास हो जाता कि हम उसकी बातों में नहीं आ रहे, तो वो अपनी ताकत का प्रयोग करता, मुझ तक बेशक नहीं पहुंच पाता लेकिन तुम में से किसी को अपना जरिया बना सकता था, और इतना ही नहीं फिर वो खुलकर अपनी बुराइयों के साथ सामने आ सकता था, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये भी जानता हूँ कि छलावा ये सब क्यों कर रहा है, छलावा हम लोगों को बहलाकर बंजारन को आजाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल रहा है, वो कुछ भी कर ले वो बंजारन को आजाद नहीं कर सकता, तब तक नहीं जब तक कि मेरा साथ उसे ना मिले, और मेरा साथ उसे कभी नहीं मिलेगा।
छलावा मुझे चलने के लिए आया है और अगर वो इस गलतफहमी में है तो उसको इसी गलतफहमी में रहने दो। जल्दी जुल्मी की शादी हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमारा छलावा से गांव से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन तब तक छलावा को उसी नजर से देखो जैसे वो हमारा पहले वाला दोस्त छलावा हुआ करता था। एपिसोड 294, ध्रुव ने किया छल फेल। ध्रुव के मुंह से ये सब सुनकर कि छलावा किसी वजह से ही आया है और अब वो पहले वाला छलावा नहीं है, ध्रुव को भी उस पर यकीन नहीं है। लेकिन अगर ध्रुव खुलकर उस पर यकीन नहीं दिखाएगा तो हो सकता है छलावा अपनी बुराइयों को एकदम से सामने लेकर आए, इसलिए ध्रुव ऐसा कर रहा है। विक्की हैरान रह गया और बोला, लेकिन हमें इतना सब करने की क्या जरूरत है? ध्रुव ने देखा दूर खड़ा छलावा उसी की तरफ बार बार देख रहा है, इसलिए ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा उठा और विक्की को धीरे से बोला, जितना कह रहा हूँ उतना समझो, अभी हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, इसमें कोई नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो और खत्म करो। विक्की हैरानी से बोला, तू तो ऐसे डरपोकों की तरह बात कर रहा है जैसे तुझे छलावा से बहुत डर लग रहा है, जैसे तू छलावा का सामना नहीं कर सकता। ध्रुव ने विक्की की आंखों में देखते हुए कहा, सामना कर सकता हूँ विक्की, लेकिन जहाँ पर समझदारी से काम चल सकता है वहाँ पर अपनी ताकत दिखाने से कोई महान नहीं बन जाता। और मुझ में जो कुछ भी है वो मैंने लोक कल्याण के लिए अर्जित किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से चला गया और विक्की बोला, वाकई में तू देव पुरुष है, अब समझ में आ रहा है लोग देवदत्त को देव पुरुष क्यों कहते थे। इतना सब कुछ तेरे खुद के पास है लेकिन फिर भी तू उनका यूज नहीं करना चाहता, एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह रहेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ मी कि तू मेरा दोस्त है। इतना कहकर विक्की खुद हंस पड़ा। छलावा जिसकी नजर ध्रुव और विक्की पर थी वो ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, बस एक बार मेरा काम हो जाए, मुझे कैसे भी करके तुम्हारे रक्त की कुछ बूंदे चाहिए, लेकिन कैसे। तभी जुल्मी की अम्मा छलावा के पास आई और उसके हाथ में एक लोहे का चाकू पकड़ा कर बोली, छलावा ये ले बेटा, ये जाकर जुल्मी को दे दे, जाने कहाँ है हमको तो दिख ही नहीं रहा है, होने वाला दूल्हा है वो, नजर वजर का बहुत डर रहता है नए दूल्हा दुल्हन को, इसीलिए जुल्मी को ये दे दे और उसको बोलना कि हम बोले हैं इस चाकू को हमेशा अपने पास अपनी जेब में रखे, जब तक शादी नहीं हो जाती इस लोहे के चाकू को अपने से दूर नहीं करना, इसके साथ होने से उसे कोई बुरी बला नहीं लगेगी। छलावा ने कहा, ठीक है मैं जुल्मी को ये चाकू दे देता हूँ। जुल्मी की अम्मा चली गई लेकिन उस चाकू को हाथ में लिए छलावा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो चाकू को लेकर जुल्मी की बजाय ध्रुव की तरफ बढ़ गया। वो लोहे का चाकू बहुत ही पुराने जमाने का था, वो मारने वाला चाकू था जिसे आसानी से खोला और बंद किया जा सकता था। वो चाकू लेकर छलावा ध्रुव के नजदीक गया और एकदम से उसके हाथ की तरफ उस चाकू को बढ़ाते हुए बोला, ये लो ये जाकर तुम जुल्मी को दे देना, उसकी अम्मा ने दिया है। छलावा ने पूरी कोशिश की थी कि वो चाकू ध्रुव के हाथ में कम से कम चुभ तो जरूर जाए, जिससे उसके खून की कुछ बूंदे बहने लगे, लेकिन ध्रुव ने बड़ी ही चालाकी से उस चाकू को पीछे साइड से पकड़ लिया और बोला, हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, वैसे एक काम कर, मैं यहाँ किसी और काम में व्यस्त हूँ तो तू जुल्मी को जाकर दे दे, जुल्मी बाजू वाले कमरे में मेहमानों के साथ बैठा हुआ है। इतना कहकर ध्रुव वहां से हट गया और छलावा बेमन से चाकू को लेकर जुल्मी को देने के लिए बढ़ गया। छलावा जैसे ही वहां से गया तो ध्रुव ने जाते हुए छलावा को देखकर कहा, मत कर मेरे भाई, वापस लौटा, इस तरह की हरकतें मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा है, तू पहले ही अंधेरे की तरफ बढ़ चुका है और अब तू अपने आप को अंधेरे की उस गहराई में डूबाना चाहता है जहां से मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुझ तक रोशनी की किरण नहीं पहुंचा सकता। उस दिन ऐसा बहुत बार हुआ जब छलावा ने ध्रुव के आसपास रहकर इस तरह की चीजों को करने की कोशिश की जिससे ध्रुव का खून बहे, लेकिन ध्रुव हर बार बच गया। आखिर में छलावा को वहां से मायूस होकर ही लौटना पड़ा, लेकिन वो मन बना चुका था कि वो इस तरीके से हार नहीं मानेगा। अगले दिन जब सब संगीत की तैयारियों में लगे हुए थे तब छलावा फिर से आ पहुंचा और नॉर्मल तरीके से सारे कामों में मदद करने लगा और हाथ बटाने लगा। हल्दी मेहंदी और संगीत की रस्म पंचायत भवन वाले कमरों में ही रखी गई थी, वहीं पर सजनी और जुल्मी दोनों की रस्म इकट्ठे तौर पर हो रही थी जिससे कि दोनों के मेहमान एक साथ मिलकर बहुत आनंद ले रहे थे। सबसे पहले उन दोनों की हल्दी की रस्म रखी गई थी जिसमें बारी बारी से सबने उन्हें हल्दी लगा दी और अब बारी थी जुल्मी के दोस्तों की। तारा और अनन्या सजनी को हल्दी लगा रही थी और विक्की और ध्रुव जुल्मी को। तभी अचानक हल्दी लगाते लगाते विक्की ने बहुत सारा हल्दी लेकर तारा के गालों पर मल दिया। तारा इस चीज से एकदम हड़बड़ा गई और फिर वो भी विक्की की तरफ हल्दी लगाने के लिए बढ़ी, लेकिन विक्की वहां से उठकर भाग गया।
तारा विकी के पीछे भागती हुई उसे हल्दी लगाने के लिए घूमती रही और वहां मौजूद सब खिलखिलाकर हंसने लगे थे। अनन्या जो सजनी को हल्दी लगा रही थी उसकी नजर ध्रुव पर गई। ध्रुव की नजर भी एक बार को अनन्या की तरफ गई जरूर, लेकिन ध्रुव ने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ली। अनन्या चौंक के ध्रुव के नजदीक आई और अपने हाथों में लगी हल्दी को ध्रुव के गालों पर लगाती हुई बोली, मेरी मम्मा कहती हैं कि नए नबेले दुल्हा दुल्हन को लगाया हुआ हल्दी अगर लगाओ तो खुद का हल्दी लगाने का संजोग भी जल्दी बनता है। ध्रुव बोला, ये सब इंसानों ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए बनाया है, ऐसा कुछ नहीं होता। संजोग किसी भी चीज का तभी बनता है जब ऊपर वाला बनाता है। इतना कहकर ध्रुव वहां से उठ गया। अनन्या मायूसी से उसे जाते देखने लगी। ये देख जुल्मी ने कहा, अनन्या जी आप उसकी चिंता मत करिए, वो तो पैदाइशी नीरस है। हम तो जब से देख रहे हैं वो ऐसा ही है। हम तो कहते हैं आप किसी अपने जैसे को ढूंढिए जो बिल्कुल आपके लायक हो। इस बात पर अनन्या ने घूर कर जुल्मी को देखा और उसके बगल में बैठी सजनी भी बोली, इसको सिखा रहे हो, सबको अपने जैसा समझे हो क्या, एक नहीं तो दूसरी सही। उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो चुकी थी और अनन्या वहां से चुपचाप चली गई। अनन्या ध्रुव के व्यवहार से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि ध्रुव तो उससे खुलकर बात तक नहीं कर रहा था। हल्दी की रस्म के बीच में ही छलावा भी जुल्मी को और सजनी को हल्दी लगाने के बाद कटोरे में हल्दी लेकर आया और उसने पहले विकी को, फिर तारा को, फिर अनन्या को भी जरा जरा सी हल्दी लगाई और फिर बहुत सारा हल्दी लेकर वो ध्रुव की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि छलावा ध्रुव को हल्दी लगा पाता, ध्रुव ने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया कि उसे हल्दी में मिलाई गई ऑयल से एलर्जी है। इसके पहले अनन्या ने भी थोड़ा सा लगा दिया था तो उसको पहले से ही बहुत जल रहा है, तो छलावा न लगाए। ये सुनकर एक बार फिर छलावा मन महसूस कर रह गया। उसी तरह हल्दी का कटोरा लिए हुए छलावा सबसे किनारे आया और अपना हाथ धोने लगा। छलावा हाथ में हल्दी के बीच में छुपे हुए लोहे की कील की तरफ देखता हुआ बोला, मैं जो भी कदम उठा लूं तो हर बार बचता है, मैं क्या करूं कि मुझे इसके खून का कुछ कतरा मिल सके। और अचानक से बोला, अरे हाँ, अभी तो संगीत बाकी है और संगीत में मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। शाम के वक्त मेहंदी और संगीत की रस्म एक साथ शुरू कर दी गई थी। एक तरफ जहाँ दुल्हन और उसकी सहेलियां मेहंदी लगाने और लगवाने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग संगीत की शुरुआत कर चुके थे। जुल्मी और सजनी के कुछ रिश्तेदारों के बाद बारी आई उनके दोस्तों की और सबसे पहले विकी आगे आया। सबको लग रहा था कि विकी किसी फास्ट और धूमधाम वाले गाने पर डांस करेगा, लेकिन एकदम से माहौल बदल गया और विकी ने बड़े ही रोमांटिक गाने के साथ स्टार्ट किया, हमें तुमसे प्यार कितना, और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तारा पर टिकी हुई थी। तारा ने अपनी पलकें शर्माकर झुका ली थी। कुछ ही मिनट बाद विकी एकदम से आगे आया और उसने तारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ स्टेज पर डांस के लिए लेकर चला गया और सबके सामने तारा के साथ डांस करने लगा। वहां मौजूद हर किसी को यही लग रहा था कि ये संगीत का कोई हिस्सा है, लेकिन वाकई में वहां क्या हो रहा था ये तो तारा और विकी के अलावा सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्त जानते थे। और गाना खत्म होते के साथ ही आखिरी बार जैसे ही गाने के बोल आए, हमें तुमसे प्यार कितना, विकी ने एक लाल गुलाब लिया और उसे तारा की तरफ बढ़ा दिया। तारा ने शर्माते हुए उस गुलाब को थाम लिया और इसके साथ ही गाना खत्म हुआ। वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। विकी और तारा के दोस्तों ने उन्हें घेर लिया। जुल्मी धीरे से उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और बोला, कमाल कर दिया तुम लोगों ने तो, मतलब हमारी शादी की आड़ में अपनी खिचड़ी पका रहे हो। और विकी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांचित हो। विकी बोला, तुझे कितनी बार कहा है वो रोमांटिक होता है, रोमांचित नहीं। तब तक दूसरे की डांस की बारी आ चुकी थी। स्टेज से आने के बाद विकी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो तारा कहीं नजर नहीं आई। तभी विकी ने देखा कि तारा दरवाजे से होती हुई कहीं बाहर जा रही है। विकी ने तुरंत तारा के पीछे अपने कदम बढ़ाए। उसने देखा तारा एक दूसरे कमरे में जाकर अपने नेकलेस को फिक्स कर रही थी। उसका नेकलेस लूज हो गया था और तारा उन्हें टाइट करने की कोशिश कर रही थी। तभी विकी एकदम से गया और तारा के नेकलेस को टाइट करता हुआ बोला, अब तुम्हें इन सब कामों के लिए अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सेवक किस लिए है। तारा एकदम से बोली, क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो, जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। पर तब तक विकी तारा के नेकलेस को टाइट कर चुका था और एकदम से उसे पीछे से पकड़ता हुआ बोला, अब किस बात का डर, मैं सबके सामने इजहार मोहब्बत कर चुका हूँ। और तारा ने विकी की तरफ घूमते हुए कहा, अच्छा, और शायद आप भूल रहे हैं जनाब कि हम पाली में रहते हैं और यहाँ इजहार मोहब्बत की सजा बहुत बड़ी है। विकी तारा को एकदम से बड़ी फुर्ती के साथ अपनी तरफ खींचता हुआ दीवार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके चेहरे से बालों को हटाकर उसके गालों को छूता हुआ बोला, और आप शायद भूल रही हैं कि हम किसी नियम कानून में नहीं बंद हैं और ना ही हम इस पाली के हैं।
मतलब मैं हूँ पाली का, लेकिन मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे यहाँ रहना है और ना ही तुम पाली की हो, और बाकी तो कुछ दिनों की बात है जब हम इस तरीके से एक दूसरे को छुप छुप कर देख सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कल जुल्मी की शादी हो जाएगी मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और सीधा अपनी मम्मी को जाकर बोलूंगा कि ये रही तुम्हारी बहू और फिर हमारी भी चट मंगनी पट ब्या, क्या कहती हो? ये सुनकर तारा एकदम से विक्की के गले लगती हुई बोली, पता है विक्की, मुझे ये सब कुछ एक सपना लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं आँख खोलूंगी और सब कुछ टूट जाएगा। विक्की ने तारा के बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं टूटेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हकीकत तो छोड़ो, तुम्हारे सपने में भी जो सपना आएगा ना, मैं उसे भी नहीं टूटने दूंगा। इतना कहकर विक्की ने तारा के माथे पर एक किस किया और तारा की आंखें अपने आप बंद हो गई। इधर दूसरी तरफ सबने ध्रुव को डांस करने के लिए फोर्स किया था। जुल्मी ने कहा कि ध्रुव और अनन्या एक साथ डांस करें। सबके बार बार कहने पर ध्रुव और अनन्या एक साथ डांस के लिए स्टेज के ऊपर आ चुके थे। म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था और उन दोनों का डांस शुरू हो चुका था। अनन्या ने बहुत सोच समझ कर गाना लगवाया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ध्रुव बस फॉर्मेलिटी कर रहा था, लेकिन अनन्या अपने पूरे इमोशंस के साथ ध्रुव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लोगों को देखते हुए और किसी को किसी तरीके का कोई शक ना हो, ध्रुव भी थोड़ा बहुत साथ दे रहा था अनन्या का। और तभी एकदम से ध्रुव की चीख निकल गई। अनन्या ने देखा ध्रुव के पैर से खून आ रहा है। ध्रुव ने अपना पैर ऊपर उठाकर देखा कि आखिर उसके पैर में क्या चुभा है, तो उसमें एक कांच का टुकड़ा फंसा हुआ दिखा और वो काफी गहराई तक घुस गया था, जिस वजह से ध्रुव के पैर से खून आ रहा था। अनन्या जल्दी से ध्रुव के पास बैठ गई और उसके पैर से कांच निकालने की कोशिश करने लगी। तब तक जुल्मी भी वहां पर भागकर आ चुका था, लेकिन ध्रुव की नजर सीधा छलावा पर जा टिकी थी। छलावा जो उस भीड़ में खड़ा था, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे देख ध्रुव को ये सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। ध्रुव ने देखा छलावा उसकी तरफ बढ़ रहा है। ध्रुव ने एकदम से अनन्या से अपना पैर अलग किया और उस कांच को एक झटके से निकाल लिया और जहां उसका खून फैला हुआ था उस जगह पर अपना पैर रख दिया और कांच के टुकड़े को अपनी जेब में रखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लग गया था कुछ, अब बिल्कुल ठीक है। आप लोग चिंता मत करिए, गाना लगाइए, इस प्रोग्राम को थोड़ी खराब होने देंगे, वो भी जरा सी चोट की वजह से, अनन्या मन में बोली। ध्रुव को तो ज्यादा लगी है, फिर वो इतने आराम से क्यों बात कर रहा है। और जब सबने देखा कि ध्रुव वाकई में बिल्कुल ही शांत है और ठीक है, तो सबको लगा शायद उसको जरा सी चोट आई होगी और वहाँ माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया। तब तक छलावा ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने कहा, तुम्हें तो बहुत सारी लगी थी, अपना पैर हटाओ, मुझे देखने दो। ध्रुव बोला, नहीं छलावा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छलावा ने कहा, नहीं मुझे देखने दो, तुम्हें बहुत ज्यादा खून आ रहा था। ध्रुव बोला, अच्छा देखो। इतना कहकर ध्रुव ने अपना पैर हटाया तो वहाँ खून का एक कतरा भी नहीं था और ये देख कर छलावा बिल्कुल हैरान रह गया। ध्रुव अपने मन में बोला, छलावा मुझसे चाल चलने की कोशिश मत करना। इतना कहते हुए ध्रुव ने नीचे देखा। ध्रुव ने बड़ी ही चालाकी से अनन्या का लहंगा, जो जमीन को छू रहा था, उस पर हल्का सा पैर रख दिया था, जिससे उसके लहंगे ने उसका पूरा खून सूख लिया था। और ध्रुव ने अब भी अपने पैर का वो हिस्सा जिसमें कांच चुभ गया था, वो अनन्या के लहंगे पर ही अटकाया हुआ था, जिससे उसका खून जरा भी जमीन पर नहीं दिख रहा था। एपिसोड 295, हम घर नहीं जा सकते। छलावा ध्रुव के खून के कतरों को लेने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था। और इस बार भी उसने ध्रुव के पैरों में कांच चुभाकर ही कोशिश की थी, ताकि उसके खून का कुछ हिस्सा उसे मिल जाएगा। लेकिन ध्रुव ने बड़ी चालाकी से उसके इस प्लान को भी ब्लॉक कर दिया था। अपनी इस योजना को भी सफल ना होता देख छलावा पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ध्रुव छलावा की तिलमिलाहट को साफ महसूस कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अनन्या ने ध्रुव से पूछा, तुम सच में ठीक हो ना? ध्रुव बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। ध्रुव के जवाब पर अनन्या हाँ में सिर हिलाकर वापस जैसे ही मुड़ी, वो गिरते गिरते बची, क्योंकि उसका लहंगा तो ध्रुव ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। और इससे पहले अनन्या गिरती, ध्रुव ने आगे बढ़कर अनन्या की बाहों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या सीधा जाकर ध्रुव के सीने से लगी। कुछ देर तक तो अनन्या ऐसे ही खड़ी रही, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। इतने सारे लोगों के बीच में अनन्या ध्रुव के सीने से लगी खड़ी थी और वहां मौजूद लोगों में बातचीत शुरू हो चुकी थी। सजनी तुरंत आगे बढ़कर आई और अनन्या को पकड़ती हुई बोली, अनन्या तुम ठीक तो हो? कैसे गिर रही थी? अगर ध्रुव भैया नहीं बचाते तुम्हें तो तुम सीधा स्टेज के नीचे गिरती। ये बात सजनी ने जानबूझकर इतनी जोर से बोली थी ताकि लोगों के कान तक भी ये बात जाए। ध्रुव ने कहा,
कुछ नहीं, वो गलती से अनन्या का लहंगा मेरे पैर के नीचे आ गया था, इसी वजह से ही गिरने वाली थी। सचनी अनन्या को लेकर जा चुकी थी, लेकिन अनन्या बार बार पीछे पलट कर ध्रुव की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ध्रुव भी उसकी तरफ देख रहा हो, या कुछ तो ऐसा हो जिसे देख कर लगे कि ध्रुव भी उसके लिए कुछ महसूस कर रहा है। लेकिन ध्रुव बिल्कुल सपाट था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनन्या और सजनी के जाने के बाद ध्रुव ने इधर उधर देखा। उसे जब ये यकीन हो गया कि छलावा वहाँ कहीं नहीं है, तो वो धीरे से वहां से उतरा और एक कोने में जाकर बैठ गया और अपनी जेब से अपना रुमाल निकाल कर अपने पैरों पर बांधने लगा। तभी वहाँ विकी आया और उसने देखा कि ध्रुव अपने पैरों पर रुमाल बांध रहा है। विकी ने ध्रुव से कहा, क्या हो गया तेरे को, क्या हुआ दिखा? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आ गई, कांच का टुकड़ा पता नहीं कहां से आ गया। विकी बोला, ठीक है ना? ध्रुव बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विकी ने ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, चल उठ जा, घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और सुबह से फिर शादी की तैयारियों में हमें लगना है। ध्रुव ने विकी का हाथ थामा और उसके सहारे चलते हुए पंचायत भवन से बाहर आ गया, जहाँ पहले से ही तारा और अनन्या उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने फिर से पूछा, तुम ठीक हो ना? ध्रुव ने जवाब में कहा, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तारा बोली, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बना दूंगी और तुम्हारे पैरों में लगा दूंगी, तुम्हें सुबह तक बिल्कुल आराम मिल जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। तारा की बात खत्म होते ही सब घर की तरफ बढ़ चुके थे, जल्द ही सब घर पहुंच गए थे। रात होने की वजह से उन्हें नींद बहुत जल्दी आ गई। अगली सुबह जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो चुकी थी। जुल्मी की शादी की डेकोरेशन का काम लड़कों ने संभाल लिया था, क्योंकि काफी सारा डेकोरेशन पहले से हो चुका था, तो बस थोड़े बहुत ही काम थे और उन सबको बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। गांव में कोई भी उस सजावट की तारीफ के बिना नहीं रह रहा था। मनवा तो खुश होता हुआ बोला, मानना पड़ेगा विकी और ध्रुव, तुम दोनों तो ऐसा सजावट किए हो कि इससे पहले पाली में आज तक ऐसा शादी हुआ ही नहीं है, बिल्कुल शहरी स्टाइल सजावट है। विकी ने कहा, ये शादी भी तो हमारे दो दोस्तों की है, तो हमारा तो ये फर्ज बनता ही है। इतना कहकर विकी कोई काम देखने चला गया। ध्रुव ने पूछा, मनवा भैया, सुमेर और ठकुराइन दिख नहीं रहे कहीं, मतलब गांव में शादी है और उन लोगों का कहीं कोई अता पता नहीं है, क्या बात है, सब ठीक तो है? मनवा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, वो थोड़ा सा बड़े मालिक की तबीयत ठीक नहीं रह रही आजकल, तो बड़ी मालकिन तो उन्हीं की देखभाल में लगी रहती हैं, और छोटे मालिक गांव में है नहीं इसलिए नहीं दिखते हैं, लेकिन आज शाम को वो दोनों ही आएंगे। छोटे मालिक भी दोपहर तक लौट आएंगे, तो शाम में शादी में तो उन्हें आना ही है, उनकी मौजूदगी के बिना और बड़ी मालकिन के आशीर्वाद के बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। ध्रुव बस मुस्कुरा कर रह गया। मनवा वहां से चला गया था। ध्रुव अपने मन में बोला, हैरानी की बात है, जब से वशीकरण हुआ है ठकुराइन हमें दिखी तक नहीं है, और आदिनाथ के जाने के बाद सुमेर भी ऐसे गायब हुआ है जैसे उसका इन सब से लेना देना ही नहीं। खैर, देखते हैं आज शाम उन दोनों के क्या मिजाज है। गाँव में बिल्कुल त्योहारों सा माहौल था, हर कोई व्यस्त था। सही बात है, गांव में कोई भी फंक्शन हो तो हर कोई बिजी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हर किसी के घर का फंक्शन हो। सब हाथों हाथ जुल्मी और सजनी की शादी की तैयारियों को ले रहे थे। देखते ही देखते शाम का वक्त आ गया और मुहूर्त का वक्त भी आ गया। जुल्मी को तैयार कर रहा विकी जुल्मी के सिर पर सहरा बांधे हुए बोला, भाई मेरे छोले कुमार, तू तो लग ही नहीं रहा है कि तू जुल्मी है, मतलब मस्त चमक गया है। जुल्मी इतराता हुआ बोला, ऐसे ही नहीं चमके हैं, हम जाकर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए हैं। विकी मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ सही कह रहा है तू, तू भी लड़कियों से कम सुंदर थोड़ी है। जुल्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विकी बोला, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में तो खाली लड़कियां ही रहती हैं। इस बात पर विकी के साथ साथ ध्रुव भी हंस पड़ा। जुल्मी ने कहा, चुप रहो तुम, हम गए थे, बहुत बड़ा दुकान था वहाँ, वो हमारे चेहरे पर रगड़ रगड़ कर क्रीम पाउडर लगा दिया और फिर हमारी आंखों पर दो खीरे का टुकड़ा रख दिया, फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए, और जब हमारी आंख खुली तो बिल्कुल चकाचक हमारा ये चेहरा तैयार था। ध्रुव ने जल्दी से जुल्मी को पूरी तरीके से तैयार करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए तेरे निखार का राज क्या है, अब चल जल्दी, पता चला सजनी आकर तेरा इंतजार कर रही होगी और तू टाइम से नहीं पहुंचा तो सजनी बीच शादी में छोड़कर चली जाएगी तुझे। जुल्मी ने कहा, अरे हाँ ये तो हम सोचे ही नहीं, उसको तो ये भी आता है, चलो चलो हम देर नहीं करना चाहते। जुल्मी की अम्मा ने आकर जुल्मी की आरती उतारी और उसके बाद जुल्मी अपने दोस्तों और पूरे बाराती के साथ चल पड़ा। सजनी के घर पहुंचने के बाद सब कुछ अच्छे से हुआ, स्वागत हुआ, सारे लोगों को अच्छे से बिठाया गया। जुल्मी अपने दोस्तों के साथ वरमाला के लिए स्टेज पर जाकर बेसब्री से सजनी का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर तक सजनी नहीं आई। जुल्मी बोला, बताओ इसके चक्कर में हम अच्छे से सजे भी नहीं और आ गए, और ये है कि हमको इंतजार करा रही है। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला,
जितना तू सज संवर कर आया है ना, उतना तो सजनी भी नहीं सजने वाली है। तभी अचानक वहाँ बिल्कुल शांति छा गई, सारे शोरगुल शांत हो गए और सबकी नजर पायल की झनकार की तरफ पड़ गई। सबने देखा तारा और अनन्या के साथ चली आ रही सजनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े में सजनी को देखकर जुल्मी बस देखता ही रह गया। वहीं विक्की ने तारा को देखा। तारा ने हल्के नीले रंग का लहंगा पहन रखा था और सिंपल मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। विक्की ने इधर उधर देखा और सबकी नजर से बचाते हुए उसने तारा की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया। ये देख तारा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। वहीं दूसरी तरफ पिंक लहंगे में अनन्या भी बहुत प्यारी लग रही थी। अनन्या ने विक्की को तारा की तरफ देखकर धीमे से किस करते हुए देखा था और वो मुस्कुरा उठी थी और उसके साथ ही उसकी नजर ध्रुव की तरफ चली गई थी। अनन्या को लग रहा था कि शायद ध्रुव की तरफ से भी कुछ आएगा, लेकिन ध्रुव सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। वरमाला की रस्म हंसते मुस्कुराते मस्ती मजाक के बीच में हो चुकी थी और जैसे ही वरमाला खत्म हुई, सुमेर की भारी आवाज आई। भाई, दुल्हा दुल्हन को बहुत बहुत बधाई। माफी चाहते हैं कि हम लोग शादी की बाकी रस्मों में उपस्थित नहीं रह पाए। इसके साथ ही सुमेर ने एक भारी सा गिफ्ट जुल्मी के हाथ में दिया। जुल्मी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मालिक। जुल्मी से मिलने के बाद सुमेर ने ध्रुव और उसके दोस्तों की तरफ देखा। ध्रुव को देखकर सुमेर थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। ठकुराइन, जिन्होंने इतना सब कुछ ध्रुव और उसके दोस्तों के साथ मिलकर किया, वो ठकुराइन अब ध्रुव को देखकर कुछ असहज महसूस कर रही थी। ध्रुव ने बड़ी ही इज्जत के साथ पूछा, क्या बात है आंटी, आप तो हमें भूल ही गई, कल हमें जाना भी है, हमें लगा शायद आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। ठकुराइन बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरा मतलब है आप, मतलब बड़े ठाकुर की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं व्यस्त हूँ। इतना कहती हुई ठकुराइन ने बारी बारी से उन सब की तरफ देखा और अनन्या की तरफ देखकर बोली, अब ये ठीक है? ध्रुव बोला, जी बेहतर है, सब ठीक है। ठकुराइन बोली, ठीक है तो आप लोग कल जा रहे हैं, उम्मीद है आप अच्छे से अपने घर पहुंच जाएं, भविष्य में फिर मुलाकात होगी। इतना कहती हुई ठकुराइन तुरंत वहां से नीचे उतर आई और जाकर जुल्मी के अम्मा बापू और सजनी के परिवार से मिलने लगी। विक्की ने ध्रुव से कहा, इन लोगों को क्या हो गया? सुमेर का तो समझ में आता है कि सुमेर तेरे बारे में जानता है, लेकिन ठकुराइन? ध्रुव हैरानी से विक्की की तरफ देखकर बोला, और तुझे लगता है सुमेर जो सच जानता है मेरे बारे में, उसने अपनी माँ को नहीं बताया होगा? विक्की बोला, हाँ वो तो मैं भूल ही गया, जाहिर सी बात है ठकुराइन भी सब कुछ जानती है, इसी वजह से तो तेरे साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी। खैर छोड़ो भी, हमें क्या, यहाँ का सलूशन हो गया है, बस अभी शादी हो जाए तो कल सुबह निकले। ध्रुव बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमारा यहाँ ज्यादा दिन तक रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ ज्यादा दिन रुकने से। इतना कहता कहता ध्रुव एकदम से बोला, ये सब छोड़ो, अभी तो शादी एंजॉय करते हैं, फिर जाने के बारे में सोचेंगे। विक्की ने कहा, ये तू ठीक कह रहा है, और वैसे भी ये शादी मेरी जिंदगी के लिए सबसे अहम है। इतना कहकर विक्की तारा की तरफ देखने लगा। ध्रुव ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, अब अगली बारी तुम्हारी है। तो क्या सोचा है, यहाँ से जाकर क्या करना है? विक्की बोला, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ मामा जी के साथ ही उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू करूँ और फिर माँ से अपने और तारा के लिए बात करूँ। वैसे तो माँ को कुछ कुछ हिंट है, तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और वैसे भी देखना मेरी तारा इतनी प्यारी है कि कोई उसके लिए मना कर ही नहीं सकता। ध्रुव विक्की के मजे लेता हुआ बोला, ओहो मेरी तारा। विक्की थोड़ा सा शर्माया और फिर बोला, अब तू तारा को तारा नहीं भाभी बोलने की आदत डाल ले। ध्रुव ने विक्की की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, मैं उसे भाभी बोलने की आदत डालू, इससे अच्छा मैं तुझे जीजा ना बोलू, वैसे भी तारा मेरी बहन है। और दोनों एक बार फिर हंसने लगे। तभी विक्की एकदम से गंभीर होता हुआ बोला, तूने क्या सोचा है? ध्रुव बोला, किस बारे में? विक्की ने अनन्या की तरफ इशारा किया और बोला, उस लड़की को देख रहा है, तुझे नहीं लगता तू उसके साथ बहुत गलत कर रहा है? ध्रुव गंभीर होता हुआ बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्की, और अगर मेरा अनन्या का रिश्ता वाकई में सच्चा है, दिल की गहराइयों से है, तो अनन्या भी समझेगी मुझे और मुझे वो वक्त देगी। विक्की बोला, लेकिन अनन्या नहीं जानती तेरे बारे में सब कुछ। ध्रुव ने कहा, उसे जानना भी नहीं चाहिए, ये सारी बातें अनन्या तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तब तक शादी शुरू हो चुकी थी, फेरों का वक्त हो चला था और विक्की और ध्रुव को भी बुलाकर ले जाया गया था। लोकगीतों के साथ साथ हंसी मजाक और शादी की रस्में, ये सब मिलकर बहुत ही खूबसूरत माहौल बना रहे थे। तारा और विक्की तो जैसे एक दूसरे में ही डूब गए थे, वो कहीं भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। जुल्मी तो फूला नहीं समा रहा था, और देखते ही देखते जुल्मी और सजनी हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी की रस्म के बाद विदाई के वक्त हर कोई भावुक हो चुका था, और विदाई के बाद सजनी हमेशा के लिए जुल्मी के घर उसकी दुल्हन बनकर आ चुकी थी।
अगली सुबह विक्की के घर पर बहुत हलचल थी। सब अपना अपना सामान बांधने में लगे हुए थे क्योंकि उन्हें जाने से पहले सजनी और जुल्मी से भी मिलना था और जल्द से जल्द बस स्टैंड के लिए भी निकलना था। अपना अपना सामान पैक कर घर में ताला लगाकर अंतिम बार उस घर को देख लेने के बाद कि आखिर इन लोगों ने इतनी सारी यादें बनाई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता है, भारी मन से सब घर से निकले और जुल्मी के घर आ गए। जुल्मी ने जब अपने दोस्तों को अपने सामान के साथ देखा तो वो समझ गया कि बस अब ये लोग जा रहे हैं। जुल्मी बारी बारी से उन सबके गले लगा और रुआसा होकर बोला, रुक जाओ ना कुछ दिन। और ध्रुव ने जुल्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस भाई बहुत रह लिया, इससे पहले कोई नया कांड हो हमें जाने दे। और वैसे भी बस तू भी तो आ ही रहा है कुछ ही दिनों में, अभी तो तेरी शादी हुई है। जब तुझे लगे कि अब तुझे यहाँ से निकलना है, मन नहीं लगे, बस एक कॉल कर लेना, हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। और फिर जुल्मी की अम्मा के पांव छूते हुए बोला, क्यों माँ, शहर आओगे ना? जुल्मी की अम्मा भावुक होकर बोली, क्यों नहीं बेटा, जहाँ मेरे इतने सारे बच्चे होंगे वहाँ तो हम जरूर आएंगे। एक दूसरे को भावनाओं से भरी हुई विदाई देने के बाद ध्रुव अपने दोस्तों के साथ जीप में बैठ चुका था। गांव से निकलने की तैयारी थी। जीप अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि अनन्या के फोन पर कॉल आया। अनन्या ने कॉल रिसीव किया और कुछ देर बाद एकदम से बोली, रुको। सब सवालिया नजरों से अनन्या की तरफ देखने लगे। ध्रुव बोला, क्या हो गया, तुमने रुकने के लिए क्यों बोला, कुछ छूट गया है क्या? अनन्या बोली, हम घर नहीं जा सकते। सब एक साथ बोले, नहीं जा सकते लेकिन क्यों? अनन्या बोली, मेरा मतलब है हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घर से पहले कहीं और जा रहे हैं। एपिसोड 296 माई। अनन्या ने जैसे ही कहा कि वो लोग घर नहीं जा सकते तो सब चौंकते हुए बोले, घर नहीं जा सकते मतलब क्यों नहीं जा सकते? अनन्या बोली, हम कहीं और जाएंगे, पापा का कॉल था और उन्होंने कहा है कि हम यहीं रुकें, वे भी बस पहुंच ही रहे हैं। विकी ने कहा, अचानक तेरे पापा यहाँ? अनन्या के कुछ कहने से पहले ही तारा बोली, कैसी बात कर रहे हो विकी, अनन्या हॉस्पिटल में थी तब उसके पापा गए थे उससे मिलके। वो तो उसी वक्त इसे ले जाना चाहते थे लेकिन डॉक्टरों ने कहा था ना कि अनन्या भी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं और अनन्या ठीक है तो वो अनन्या को लेने तो आएंगे ना। अनन्या ने कहा, नहीं भाई, पापा मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनते भी हो या बीच में ही कैच कर लेते हो? पापा ने बोला है हम उनका इंतजार करें, पाली से लगकर जो हाईवे है वहाँ पापा आएंगे और फिर वहाँ से हमें कहीं और जाना है, वहाँ से पापा के साथ ही कहीं जाने वाले हैं, तो अभी हम बस स्टैंड नहीं जा रहे हैं, हमें बस हाईवे तक जाना है और वहाँ इंतजार करना है। विकी बोला, तो सिर्फ तुझे जाना है या हमें भी जाना है? अनन्या ने कहा, पापा ने कहा है हम सबको जाना है। अनन्या की बात पर सब चुपचाप चल पड़े। हाईवे पर पहुंच कर सब वहीं सड़क के किनारे अनन्या के पापा का इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई थी इंतजार करते करते। अंत में ध्रुव ने कहा, अनन्या एक बार अंकल को कॉल करके मालूम तो करो कि वो कितनी देर में आ रहे हैं, हम काफी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ध्रुव के कहने पर अनन्या ने फिर से कॉल मिलाया और बोली, पापा का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। अनन्या ये बोली ही थी कि तभी उन्हें दूर से अनन्या के पापा की गाड़ी आती दिखी और अनन्या उत्साहित होते हुए बोली, आ गए पापा। अनन्या के पापा ने इन लोगों के सामने आकर गाड़ी रोकी। गाड़ी में अनन्या के पापा के साथ अनन्या की माँ भी बैठी हुई थी। विक्की और ध्रुव तो उन्हें पहले से जानते थे पर तारा सिर्फ अनन्या के पापा को जानती थी। तारा अनन्या की माँ को नमस्ते करके सबके साथ गाड़ी में बैठ गई। बड़ी गाड़ी थी तो सब आराम से गाड़ी में बैठ गए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सबके बैठने के साथ ही गाड़ी चल पड़ी थी। गाड़ी में बैठते के साथ ही ध्रुव ने पहला सवाल किया, अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने कहा कि हम घर नहीं जा रहे हैं। अरुण ने कहा, हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ यकीनन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। विक्की ने कहा, अंकल अब बस भी करिए, जब से हम सस्पेंस में जी रहे हैं, बताइए तो हम कहाँ जा रहे हैं। अनन्या की माँ नैना हंसते हुए बोली, अरे बस भी करिए, क्यों बच्चों को इतना सस्पेंस में रख रहे हैं, बता भी दीजिए। बच्चों तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अंकल तुम लोगों को स्विट्जरलैंड की टूर पर ले जाएंगे? उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्की मुंह बनाकर बोला, अंकल जितने कंजूस हैं आंटी, ये हमें सिकंदरपुर तक ले जाएं वो बहुत बड़ी बात है। विक्की की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े और अनन्या के पिता ने घूर कर विक्की को देखा और बोले, इसीलिए ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, बहुत बोलता है। अनन्या की माँ उन दोनों के बीच में बोलती हुई बोली, ठीक है बस करो। अच्छा सुनो, दरअसल बात यह है कि जब अनन्या गायब हो गई थी और अरुण वहाँ से लौटे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, तब हम हमारे कुल देवता के मंदिर में गए थे और वहाँ हमने मन्नत मांगी थी कि एक बार हमारी बेटी सही सलामत लौट आए और सब ठीक हो जाए तो हम तुम बच्चों के साथ वहाँ जाकर माथा टेकेंगे और वहाँ 11 दिन का अनुष्ठान करवाएंगे और ये सब हम तुम लोगों के घर लौटने से पहले करेंगे।
अनन्या ने जैसे ही बताया कि तुम लोग आज आने वाले हो तो हम कल ही वहाँ से निकल गए थे और इसीलिए हमने समय पर अनन्या को कॉल करके बोला भी कि घर मत आओ, हम तुम्हें वहाँ मिलेंगे और अब हम यहाँ से तुम लोगों को सीधा लेकर वहीं जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कल से ही मुहूर्त है तो कल से ही हम अनुष्ठान की तैयारी कर लेंगे, आज रात तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सब सुनकर ध्रुव कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अंकल अगर बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ कि आपके कुल देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? अनन्या के पिता बोले, यहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर गिरपुर नाम की एक जगह है। पहले वो छोटा सा गांव हुआ करता था लेकिन अब डेवलप होकर कस्बा बन चुका है। दरअसल हम वहीं से हैं, हमारा पुश्तैनी घर भी अभी वहीं है और मेरी दादी तो अभी भी वहाँ रहती हैं। हम उन्हें माई कहते हैं, हमारा तो अक्सर वहाँ आना जाना लगा रहता है, साल में एक बार तो हम जाते ही हैं कुल देवता की पूजा में। हाँ लेकिन अनन्या काफी सालों बाद जा रही है, क्यों बेटा तुम्हें कुछ याद है वो? अनन्या याद करती हुई बोली, हाँ पापा मुझे याद है, 10th के एग्जाम के बाद आप लोग मुझे वहाँ ले गए थे। वहाँ माई मेरे लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाती थी और मुझे जबरदस्ती खिलाती थी। विकी एक्साइटेड होता हुआ बोला, वाव इंटरेस्टिंग अंकल, आपकी दादी अब तक जिंदा है, कमाल की बात है, वो तो बहुत बुजुर्ग होंगी। और आपकी माँ? अरुण बोले, दरअसल मेरी माँ तो काफी पहले गुजर गई लेकिन हाँ मेरी दादी बहुत उम्र दराज है, उनको देखकर तुम उनकी उम्र गेस कर सकते हो। कस्बे में सब बहुत मानते हैं मेरी माई को। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे लेकिन अभी अपने सारे सवालों को कंट्रोल में रखो, हम देर रात वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद तुम लोगों के सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, वहाँ क्या है कैसा है और तुम लोगों को मजा भी बहुत आएगा। इन लोगों की बातचीत चली रही थी कि तभी विकी ने देखा कि ध्रुव की आंखें बंद है और वो सो चुका है। विकी बोला, बड़ा नीरस आदमी है, इतना खूबसूरत सफर है और ये सो रहा है। अनन्या प्यार से ध्रुव की तरफ देखती हुई बोली, बहुत थक गया है, कितना काम किया है इतने दिनों में, उसे सुकून से सोने भी नहीं मिला है, सोने दो इसे विकी। विकी बोला, अच्छा सिर्फ उसने काम किया है, बाकी हम सब क्या मजे से बैठकर खा रहे थे? तारा ने धीरे से कहा, तुम क्यों भूल रहे हो, अनन्या को तो हर जगह सिर्फ ध्रुव ही ध्रुव दिखता है, तो जाहिर सी बात है हर काम में उसे ध्रुव ही दिख रहा होगा। इतना कहकर तारा और विकी दोनों धीरे से हंस पड़े और अनन्या प्यार से ध्रुव को निहारने लगी। अनन्या ने देखा ध्रुव के चेहरे पर शिकन आ रही है, बंद आंखों में ही लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ सोच रहा है, उसे टेंशन हो रही है, उसके माथे पर बल पड़ रहे थे, यहाँ तक कि ध्रुव के चेहरे पर पसीने की बूंद भी दिख रही थी। अनन्या को लगा कि शायद ये सूर्य की रोशनी जो शीशे से उसके चेहरे पर पड़ रही है इस वजह से है, इसलिए अनन्या ने ध्रुव के चेहरे के पास अपना हाथ रख दिया जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ने लगी, लेकिन छाया में ध्रुव का चेहरा लाल होकर तमतमाता सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव बहुत ही गुस्से में है। ध्रुव को ऐसे देख अनन्या एकदम से बोली, ध्रुव ध्रुव क्या हुआ तुम्हें? अनन्या के एकदम से ऐसे बोलने पर तारा और विक्की जो आपस में ही लगे हुए थे उन दोनों की नजर भी ध्रुव पर पड़ गई और अरुण ने एकदम से ब्रेक लगाई और पीछे पलट कर बोले, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया ध्रुव को? अनन्या बोली, पता नहीं पापा उसके चेहरे को देखिए। उन लोगों ने भी देखा कि वाकई में ध्रुव का चेहरा लाल लग रहा था। तारा और विकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। विकी ने तुरंत ध्रुव को जगाते हुए कहा, ध्रुव उठ जा, तेरे चेहरे पर धूप लग रही है, उठ जा। विकी और तारा देख सकते थे कि अनन्या के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी ध्रुव को बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे, बल्कि उन सबकी आंखों में भी एक अजीब सी घबराहट थी, पर ध्रुव था कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तारा ने तुरंत अनन्या वाला लॉजिक देते हुए कहा, वो काफी थक कर सोया है ना, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, धूप चेहरे पर पड़ रही है इस वजह से इसका चेहरा लाल लग रहा है। तभी एकदम से जोर की सांस के साथ ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा उसको चारों तरफ से उसके दोस्त और अनन्या के माता पिता ने घेरा हुआ है और उसकी तरफ एकटक देख रहे हैं। ध्रुव ने इशारे से विकी की तरफ देखा और विकी ने उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या यार ऐसे कौन सोता है, यहाँ हम टेंशन में आ गए थे, धूप लगने से तेरा चेहरा लाल लग रहा है और इन लोगों को टेंशन हो रही थी ये सोचकर कि तुझे क्या हो गया। ध्रुव एकदम से नॉर्मल होता हुआ बोला, आई एम सो सॉरी, मैं इतना थक गया था ना कि आप लोग बातें कर रहे थे और पता नहीं मेरी आंख कब लग गई और फिर पता भी नहीं चला कि मैं कब गहरी नींद में चला गया, आप लोग परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विकी ने तुरंत कहा, तू एक काम कर, तू इस तरफ आ, यहाँ धूप नहीं आ रही है, तुझे अच्छा लगेगा, तुझे पानी चाहिए? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत पानी पिया और विकी की तरफ जहाँ धूप नहीं आ रही थी वहाँ आकर बैठ गया। अब ध्रुव एक तरफ था, उसके बाद विकी, विकी के बाद तारा और तारा के बाद अनन्या बैठी हुई थी। सब नॉर्मल हो चुके थे, गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। विकी ने पूछा, क्या हो गया था तुझे? बात सिर्फ धूप की तो नहीं थी, ये तो हम भी देख पा रहे थे, तेरे चेहरे पर बहुत टेंशन दिख रही थी, तू सोया था या ध्यान में चला गया था? ध्रुव बिल्कुल खामोश था। विकी देख सकता था कि ध्रुव अब भी कुछ सोच रहा है। विकी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा,
तू पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जा और फिर बता कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा विकी। पहले अनन्या के पेरेंट्स की तरफ और फिर अनन्या की तरफ देखकर ये श्योर करने के बाद कि इन लोगों का ध्यान इधर बिल्कुल नहीं है, विकी तुरंत बोला, ठीक नहीं लग रहा तुझे? तेरी तबीयत में कोई प्रॉब्लम लग रही? ध्रुव ने कहा, नहीं तबीयत में नहीं विकी, मुझे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हें याद है उस दिन भी मैंने कहा था कि कोई बड़ी मुसीबत दिख रही है मुझे हमारी तरफ आते हुए, आज फिर मुझे वही सब दिखा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चारों तरफ से आग में घिरा हूँ, कोई ज्वालामुखी है जलती हुई जिसके बीच में मैं खड़ा हूँ और वो ज्वालामुखी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है, मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही है। नीचे दलदल है, ऊपर काला आसमान और बीच में मैं जलते हुए ज्वालामुखी में। चारों तरफ से शोर है, तुम लोगों की आवाज आ रही है, तुम सब चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझसे मदद मांग रहे हो। ये सुनकर विकी पहले तो थोड़ा सा नर्वस हुआ, लेकिन फिर ध्रुव की हालत देखकर बोला, तुझे वहम हो रहा है, मैंने कहा ना सब कुछ जो तूने किया ना उसके बाद ये सब मन का वहम है, तो तू अच्छा अच्छा सोच, इसीलिए तो हम कहते हैं अनन्या के साथ वक्त बिता, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर, लेकिन तू कुछ करना ही नहीं चाहता, वही सब सोचता रहता है, वही छलावा, वही बंजारन, वही सुमेर, सब कुछ वही। देख हम पाली को पीछे छोड़ आए हैं और अब हमारा पाली से कोई लेना देना नहीं है, छलावा जो चाहे करे, और तू श्योर है ना कि बंजारन आजाद नहीं हो सकती, तो बस अब उन बातों को भूल जा, उनमें से किसी को याद नहीं करना है। ध्रुव बस चुपचाप विकी की बात सुनता रहा। वो पूरा दिन लगभग शांति से बीता, बीच में हल्की फुल्की बात हो जाती है और बाकी सब अपने में ही लगे हुए थे। दिन बीत चुका था, शाम से रात हो गई थी। विकी बैठे बैठे बोर हो रहा था, उसने कहा, अंकल और कितनी दूर है आपका ये गिरपुर, मैं थक गया हूँ और बोर भी हो गया हूँ। अरुण हंसते हुए बोले, बताओ ये लड़के जो अभी पैदा होकर जमीन पर खड़े हुए हैं, ये थक गए हैं, हमारी उम्र के होते तो पता नहीं क्या होता, मैं इतनी दूर से ड्राइव कर रहा हूँ, तुम बेशर्मों को एक बार ये नहीं लगा कि थोड़ी देर ड्राइव कर लो तो मैं रिलैक्स कर लूँ, ऊपर से बैठे बैठे बोल रहे हो कि बोर हो गए हो, थक गए हो। विकी मुंह बनाते हुए बोला, ये तो पता नहीं अनन्या तेरे पापा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ड्राइविंग के लिए तो ध्रुव ने भी नहीं पूछा, उसको तो कुछ नहीं कह रहे। अनन्या हंसती हुई बोली, तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि किसी को भी तुझसे इरिटेशन हो, तारा को तेरी इस इरिटेटिंग शक्ल में कुछ अलग नजर आया तो मैं उसकी खासियत कहती हूँ। तभी एकदम से अरुण बोले, ये देखो बच्चों, यहाँ से गिरपुर का बॉर्डर शुरू होता है। उन लोगों ने देखा दूर दूर तक सिर्फ रेतीला और मैदानी हिस्सा ही था, सरसर करती हुई हवाएं इनके कानों को छू रही थी। ध्रुव ने तुरंत ही गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला, यहाँ तो पूरा रेत ही रेत है, दूर दूर तक कहीं भी जंगल या जानवरों की आवाज तक नहीं सुनाई देती, एक अजीब सी शांति है यहाँ। अरुण ने कहा, थोड़ा पेशेंस रखो, यहाँ तुम्हें वो चीजें देखने को मिलेंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी। ये रेतीला हिस्सा पार होते ही जंगल शुरू होगा और जंगल पार होते ही नदी का हिस्सा और नदी के हिस्से को पार करके गाँव आएगा। तुम कह सकते हो कि हमारे कस्बे में जाने के लिए 3 चरण पार करने होते हैं। वाकई में रेतीले हिस्से को पार करते ही घना जंगल शुरू हो गया था। जंगल में खराब रास्तों से होते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अभी ये लोग बीच जंगल तक पहुंचे ही थे कि एकदम से अरुण ने गाड़ी में ब्रेक लगाई और नैना बोली, क्या हुआ जी, आपने इस तरह ब्रेक क्यों लगाई? अरुण ने आगे इशारा करते हुए कहा, वो देखो कौन खड़ा है। सबने आगे की तरफ देखा तो उनकी गाड़ी से कुछ आगे लालटेन हाथ में लिए हुए एक बहुत बुजुर्ग औरत, जिसकी कमर पूरी तरीके से झुकी हुई थी, उसने एक हाथ में डंडा लिया हुआ था, खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगी। विकी हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है ये और ये हमारी तरफ क्यों बढ़ रही है? अरुण मुस्कुराते हुए बोले, ये माई है, इनका हर बार का है, जब भी हम यहाँ आते हैं ये हमें यहीं मिलती हैं हमारा इंतजार करते हुए। विकी ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, ये माई तो बड़ी भूतिया लगती है, इतनी मिस्टीरियस, रात के वक्त अकेले जंगल में खड़ी है, इन लोगों का इंतजार करती है। लेकिन ध्रुव बिना कुछ बोले सामने की तरफ देखता रहा। एपिसोड 297, ये कौन आया? अनन्या के पुश्तैनी घर की तरफ जाते हुए गांव के पास ही पहुंचकर जंगल में एक बूढ़ी औरत लालटेन लिए खड़ी दिखी। अनन्या के पिता अरुण ने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी माई है, मतलब उनकी दादी। ये देखकर विकी ने कहा, माई तो बड़ी अजीब है। लेकिन ध्रुव का ध्यान विकी की बातों की तरफ नहीं था बल्कि वो सामने उस औरत को देख रहा था। झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, झुकी हुई कमर, काले रंग की साड़ी, सर के सारे बाल सफेद लेकिन खुले और बिखरे हुए, माथे पर एक काले रंग की बिंदी लगाई हुई वो औरत बड़ी ही रहस्यमय लग रही थी। गाड़ी के पास जैसे ही वो आई, अनन्या के पिता गाड़ी से निकलने लगे, लेकिन माई ने हाथों के इशारे से उन्हें गाड़ी में ही बैठने को कहा और बोली,
मैं तुम ही लोगों की राह देख रही थी, तुम लोग आ गए। अब तुम लोग आगे बढ़ो, घर पहुंच जाओ, मैं भी आती हूँ। अनन्या के पिता ने कहा, लेकिन माई आप भी हमारे साथ ही चलिए। माई बोली, नहीं तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। इतना कहकर माई ने अनन्या के पिता को कुछ इशारा किया और अनन्या के पिता ने बिना किसी सवाल जवाब के आगे गाड़ी बढ़ा ली। ध्रुव और तारा दोनों ही माई को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे और माई भी उन दोनों के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, तारा ने पीछे पलट कर देखा तो उसने देखा माई आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ ही चलती जा रही थी। और कुछ आगे जाकर उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और जल्दी से जमीन पर कुछ रख कर वापस पलट गई। लेकिन इससे पहले माई तारा को देखती, तारा बिल्कुल ही सामने की तरफ देख कर बैठ गई। गाड़ी नदी के पीछे से होकर आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में वो लोग एक बड़े से महल जैसे घर के बाहर पहुंच चुके थे। अरुण बोले, चलो सब अपना अपना सामान निकाल लो, हम घर पहुंच गए। नीचे उतरते ही उन सब ने उस बड़े से घर को देखा जो कहीं से भी घर नहीं लग रहा था। विकी घर की तरफ देखता हुआ बोला, अंकल इसे घर नहीं बोलेंगे, इसे राजमहल बोलेंगे। अरुण डिक्की से अपना सामान उतारते हुए बोले, और ये वाकई में राजमहल है, ये हमारा पुश्तैनी घर है, जाने कितने पुश्तों से हम यहाँ रहते आए हैं, मेरा बचपन भी यहीं बीता है, वो तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मैं शहर गया और वहीं का होकर रह गया। विकी एक्साइटेड होकर अनन्या से बोला, अनन्या तूने बताया नहीं तू राजकुमारी और तेरे पास इतना बड़ा महल है। अनन्या बोली, वेरी फनी, देख नहीं रहा राजमहल, नौकर चाकर, मैं गहनों से लदी हुई हूँ और अभी पापा जाकर राज सिंहासन पर बैठेंगे, बड़े आए राजकुमारी वाले। अनन्या की बात सुनकर तारा हंस पड़ी, लेकिन ध्रुव बस उस महल की तरफ देख रहा था। विकी ने कहा, लगता है ध्रुव सदमे में तो नहीं चला गया, इतने बड़े खानदान से है, तुझे क्या लगा था उसके पापा सिर्फ इतने बड़े बिजनेसमैन है, आज पता चल रहा है इनका तो पूरा खानदान ही रईस है। ध्रुव ने कहा, अंकल यहाँ कोई वॉचमैन या कोई सर्वेंट नहीं है। अरुण बोले, नहीं माई को किसी का भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, वो अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देती है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ माई ही रहती है। अभी अरुण इतना बोले ही थे कि सामने से माई आती दिखी और ये सब हड़बड़ा कर रह गए। विकी ने कहा, ये अंदर से कैसे आ रही है, बल्कि ये तो हमारे पीछे थी, पैदल आकर हमसे पहले महल के अंदर भी चली गई और अब हमारा स्वागत करने भी आ रही है। माई अपने चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लिए आगे आई और अपने हाथ में पकड़ी थाली से सबको टीका लगाने लगी और बोली, आओ सब अंदर आओ। लेकिन विकी ने अपना फिर से सवाल दोहराया, आप हमसे पहले यहाँ कैसे आ गई। माई ने कहा, तुम अभी नए नए आए हो, सब समझ जाओगे, यहाँ बहुत से छोटे रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलकर इंसान मंजिल पर पहले पहुंच सकता है। माई की बातें ध्रुव के मन में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। ध्रुव के मुंह से अपने आप निकला, लेकिन छोटे रास्ते कई बार सही नहीं होते, छोटे रास्ते जितने खतरनाक होते हैं उतने ही उलझन भरे हुए भी, इसीलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए बेशक रास्ता लंबा हो लेकिन साफ सुथरा और सुरक्षित होना चाहिए। माई ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई उसके गाल पर थपकी देकर बोली, आजकल के बच्चे। ध्रुव उनकी आंखों में देख रहा था, उनकी आंखों में जो कालापन था वो बिल्कुल खत्म सा हो गया था। उनकी आंखें सफेद और हल्के ग्रे कलर की थी, ऐसा लग रहा था कि उम्र के साथ साथ उनकी आंखों का रंग भी खो चुका है। देखने में वो 100 साल या उससे ज्यादा की ही लग रही थी, लेकिन उनकी फुर्ती और उनके बोलने की क्षमता दोनों ही किसी जवान को मात दे सकती थी। तारा कभी माई को देखती तो कभी अनन्या को देखती। तारा को ऐसे देखता देखकर अनन्या ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो तारा। तारा बोली, तुम बिल्कुल माई की तरह दिखती हो, मेरा मतलब है जब तुम इनकी एज में जाओगी या जब माई तुम्हारी उम्र की रही होंगी, तब तुम दोनों में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तब तक अरुण और नैना दोनों ही माई का आशीर्वाद ले चुके थे और माई अनन्या की तरफ बढ़ चुकी थी। अनन्या जैसे ही माई का पैर छूने के लिए झुकी, माई ने अनन्या को बीच में ही रोक लिया और उसके चेहरे पर हाथ फेरती हुई बोली, सही कह रहे हो तुम बच्चों, मेरी अनन्या मेरा ही रूप है। अनन्या मुस्कुराती हुई माई का हाथ पकड़कर बोली, या ये भी तो कह सकते हैं कि माई की असल मैं ही हूँ और आप मेरा रूप हो। इतना कहकर अनन्या मुस्कुरा पड़ी और अनन्या के साथ साथ माई भी मुस्कुरा उठी। विकी तारा ध्रुव में से किसी को भी उन लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सबने इस चीज को बड़े ही मजाकिया तौर पर लिया। अरुण ने अनन्या के दोस्तों को भी बारी बारी माई से मिलवाया। माई ध्रुव को देखती हुई बोली, ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है तुम्हारे भीतर। ध्रुव बोला, हम जिस उम्र में हैं उस उम्र में तो ऊर्जा ही रहती है, एक उम्र के बाद कहाँ ये ऊर्जा रह जाती है। और विकी मजाक करते हुए बोला,
तो तू माई का मजाक उड़ा रहा है। माई रहस्यमय तरीके से बोली, कुछ ऊर्जाएं उम्र के साथ बढ़ती हैं। माई की बात सुनकर ध्रुव उनको अजीब तरीके से देखने लगा था। तभी अनन्या ने कहा, कम ऑन गाइज, अब बहुत हो गई बातें, अंदर चलो। पता है मैं सालों से यहाँ नहीं आई हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आखिरी बार देखा था। और मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगी। पता, हमारा ये घर इतना बड़ा है कि सारे कमरे के बारे में मैं भी अब तक नहीं जानती। अरुण हंसते हुए बोले, सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, बल्कि मैं भी नहीं जानता कितने कमरे हैं। बस हम चंद कमरों में ही रहते हैं, बाकी कमरे तो जाने कब से बंद है। और पूरे घर पर नजर डालती हुई बोली, ये सिर्फ घर नहीं, ये धरोहर है जो पुश्तों से हमारे पास है। सब घर के अंदर जाने लगे। माई सबसे आगे चलने लगी और बाकी सब उनके पीछे। सबसे आखिर में था ध्रुव। उस हवेली को देखते हुए ध्रुव ने जैसे ही हवेली की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा तो उसने तुरंत अपना पैर पीछे कर लिया और उसके होठों से हिब्रू में कोई शब्द निकला। तारा ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन ध्रुव ने तारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस हवेली को देखता रहा। उसके होंठ हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोल रहा है। तारा ने सबको जाते हुए देखा तो वो तुरंत पीछे आई और ध्रुव के पास खड़ी होकर बोली, क्या बात है ध्रुव? ध्रुव ने तारा को हाथों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा और फिर कुछ देर बाद बोला, ये जगह ठीक नहीं है तारा। तारा बोली, हाँ मतलब इस जगह पर मुझे भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे यहाँ। लेकिन मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई रहता नहीं है, माई अकेली रहती है तो शायद इस वजह से है। क्योंकि अनन्या और उसके पापा ने भी तो कहा ना कि इसके सारे कमरे भी नहीं खुले हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, यहाँ कुछ। ध्रुव इतना बोला ही था कि अनन्या की आवाज आई, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, अंदर तो आओ। उन्होंने देखा बाकी सब काफी आगे तक चले गए थे और ध्रुव अंदर जाने से पहले तारा से बोला, खामोश रहना तारा, और हाँ अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा है इस हवेली के भीतर जाकर मुझसे एक बार भी मत पूछना उसके बारे में, और ना ही किसी से इस तरह की कोई बात करना। तारा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों एक साथ हवेली के भीतर चले गए। दोनों तरफ फैला हुआ बड़ा सा बगीचा जो बिल्कुल उजड़ा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कब से इनमें पानी न पड़ा हो। पेड़ पौधे भी सूख चुके थे, पगडंडियां जो ऊबड़ खाबड़ सी हो गई थी। नजदीक जाकर वो घर और विशाल लग रहा था, लेकिन चारों तरफ से अंधेरा ही फैला हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ एक रोशनी भी चल रही है। बस माई के हाथ में जो लालटेन की रोशनी थी वही वहाँ उजाला कर रही थी। माई उन सबको लेकर हवेली के भीतर आ चुकी थी। हवेली का वो हॉल बहुत बड़ा था। उसे देखते हुए विक्की बोला, अनन्या तेरे इस हॉल में ही शहर में दो अपार्टमेंट की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। भाई यहाँ कोई चार चक्कर लगा ले तो थक जाए। बड़े से हॉल के बीच से एक सीढ़ी ऊपर जाती थी जो आगे जाकर दो तरफ में बट रही थी। दोनों तरफ लॉबी बनी हुई थी और लॉबी में एक लाइन से कमरे थे। विक्की उत्साहित होता हुआ बोला, हमें ऊपर जाना है? माई तुरंत बोली, नहीं ऊपर कुछ नहीं खुला है, सब बंद है। नीचे कुछ कमरे हैं, उन्हीं में सबके रहने का इंतजाम किया है। भीतर जाकर कहीं कहीं लालटेन जल रही थी जिससे कि ठीक ठाक से रोशनी हो रही थी। माई ने हाथों के इशारों से कहा, वो तुम दोनों लड़कों का कमरा है जो सबसे कोने में है, उसके बाद तारा वो तुम्हारा है। तारा ने कहा, मुझे अलग से रूम की क्या जरूरत है, मैं और अनन्या एक ही रूम में रह जाएंगे, वैसे भी हवेली इतनी बड़ी है। प्लीज मुझे अनन्या के साथ रहने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। माई ने कहा, नहीं अनन्या मेरे साथ रहने वाली है, इसलिए जिसको जो कमरा बताया जा रहा है वो उसी कमरे में रहेंगे। माई इतनी स्ट्रिक्टली बात करती थी, पॉइंट टू पॉइंट बात करती थी कि उनके बात करने के बाद कुछ और कहने की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती थी। ध्रुव और विक्की अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। तारा भी अपने कमरे के लिए निकल गई। अनन्या के माता पिता भी अपने कमरे में जा चुके थे। अनन्या और माई बस उस विशाल हॉल में खड़े थे। माई अनन्या की तरफ मुस्कुराकर देखती हुई बोली, जा तू भी जाकर हाथ मुंह धो ले। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाथ मुंह धोने की जगह भी वही है माई, क्या बदला है? माई बोली, सब वैसा ही है जैसे हमेशा से था। माई के कहने के बाद अनन्या वहां से चली गई। रात को जल्द ही सब थोड़ा बहुत खाकर सो चुके थे। दिन भर की थकान और इतने लंबे सफर की वजह से नींद आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पता ही नहीं चला कब आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। सबके सोने के बाद जब पूरी हवेली में सन्नाटा फैला हुआ था, तब कोई था जो दबे पांव हवेली में घूम रहा था। वो सीढ़ियों के पास जाकर रुका और ऊपर की तरफ देखने लगा। उसने सीढ़ियों की रेलिंग को हाथों से छुआ तो उसकी जमी धूल को देखकर आहिस्ता से बोला, ऐसा लगता है जैसे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई है तो बेशक अगर कमरों का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन साफ सफाई तो जरूर होगी।
इतना कहकर वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने लगा। उसके माथे पर बल और चेहरे पर पसीने की बूंदे थी। उसके होठों से लगातार कोई मंत्र का उच्चारण हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी लेकर ऊपर जा रहा था और बहुत ही चौकन्ने तरीके से चारों तरफ देख रहा था। ध्रुव अभी ऊपर पहुंचा ही था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो वो लगभग गिरते गिरते बचा। एपिसोड 298, एक नई ताकत। आधी रात के बाद ध्रुव अनन्या के पुश्तैनी घर में घूम रहा था। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक पहुंचा ही था कि उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। ध्रुव एकदम से हड़बड़ाकर पीछे पलटा तो गिरते गिरते बचा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर ध्रुव बोला, आप? सामने माई खड़ी थी, लेकिन इस वक्त माई पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उनके बिखरे हुए बाल और उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ध्रुव को निगल जाएंगी। ध्रुव को देखकर एक बार माई ने उन बंद कमरों की तरफ देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोला, जी वो मैं दरअसल। ध्रुव इतना बोला ही था कि नीचे सीढ़ियों के पास से विक्की जोर से बोला, अरे यार ध्रुव, ये क्या बात हुई? मेरे खंडाटे इतने भी नहीं होते कि तू रूम से निकलकर इधर उधर अपने सोने की जगह ढूंढे, मुझे उठा देता। और फिर विक्की जल्दी जल्दी सीढ़ी से ऊपर चढ़ता हुआ बोला, मैं बताता हूँ माई क्या बात है, ये क्यों इस तरह आपके घर में भटक रहा है आधी रात को। माई के साथ साथ ध्रुव भी विक्की की तरफ देख रहा था, बल्कि ध्रुव की आंखों में भी सवाल था कि ये क्या जानता है। विक्की बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वो क्या है ना, मैं थोड़ा खर्राटे लेता हूँ सोते हुए, और कभी कभी वो खर्राटे तेज हो जाते हैं। जैसे आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था तो मैं बहुत जोर से खर्राटे ले रहा होगा, और पक्का इसने मुझे उठाया होगा, मैं फिर भी नहीं उठा होगा, इसलिए ये सोने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहा होगा। और नीचे तो सारे कमरे फुल हैं, सब कमरे में कोई ना कोई है, इसलिए ऊपर वाले कमरे की तरफ आ गया होगा। तू भी न ध्रुव, कितनी बार बोलू, अगर इस तरीके से परेशान होता है तो मुझे उठा दिया कर, रूम से चल, बाहर ही आना था सोने के लिए, तो इतना बड़ा हॉल है, सो जाता चादर बिछा के। विक्की की बात पर ध्रुव बस मुस्कुरा उठा और माई बोली, जो भी वजह हो, मैंने कहा था ना ऊपर कोई नहीं आता, गलती से भी ऊपर की तरफ मत आना, ये कमरे हमेशा से बंद हैं और ये बंद ही रहते हैं, ये आखिरी बार बता रही हूँ, अब जाओ यहाँ से। विक्की ने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर ध्रुव बोला, तू कैसे उठकर आ गया? विक्की ने कहा, तू इतनी जोर से चीखा तो इस चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई, लेकिन तू ये बता, तू इस तरह इनकी हवेली में जो कि पहले से ही भूतिया लग रही है, तू इसमें भूतों की तरह क्यों भटक रहा है? और कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनन्या की ये माई भी मुझे सबसे बड़ी भूत लगती है। देखा है इनको, इतनी बुजुर्ग है लेकिन बिल्कुल जवानों की तरह उछल कूद करती है, और उनकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखें नहीं सीसीटीवी कैमरा है जो हर वक्त किसी पर रहती है। विक्की इतना बोला ही था कि पीछे से माई की आवाज आई, तुमने सही कहा, मेरी आंखें ही कैमरा है, मुझे अपने घर में किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विक्की के साथ साथ ध्रुव भी एकदम से पीछे पलटा और उसने देखा पीछे माई खड़ी उन दोनों को ही घूर रही थी। विक्की हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं माई, आपने गलत सुना, मेरे कहने का मतलब था कि मैं कह रहा था कि आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं तो और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब देखा ना, आपने ऊपर के रूम्स बंद कर रखे हैं, क्या पता कोई चोर चुपके से घुसकर उस रूम में बैठ जाए और रात के अंधेरे में आप पर अटैक कर दे, तो इसलिए आपको इतने बड़े घर में सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखना चाहिए। विक्की की बात पर माई अजीब तरीके से मुस्कुराती हुई बोली, मैंने कहा ना मेरी आंखें कैमरा है, तुम जैसे लोगों को मशीन पर भरोसा होता होगा, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है, और मेरे रहते कोई चोर तो क्या, इस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सुनकर विक्की ने कहा, आपकी नॉलेज तो कमाल की है माई, आपको कैमरा सीसीटीवी सबका मतलब पता है, मतलब आपके जमाने में कहाँ होता होगा ये सब। ये सुनकर माई जोर से ठहाका लगाकर हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना कुछ चीजें उम्र के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि ज्ञान। जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी के जमाने में ना हो तो वो चीज के बारे में ना जानता हो। अब जाओ, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ध्रुव और विक्की चुपचाप अपने कमरे में आ गए थे। विक्की अपने बिस्तर पर लेटते हुए माई के बारे में गुनगुना रहा था, लेकिन ध्रुव बिल्कुल खामोश था। विक्की ने जब देखा कि ध्रुव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तब वो बोला, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या माई ने कोई शौक दे दिया है जो एकदम चुप हो गया है? क्या हुआ? अरे तू भी तो कुछ बोल, अकेले मैं ही बोलूं। ध्रुव ने झल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओगे विक्की, हर वक्त बात करना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी इंसान को चुप भी रहना चाहिए, जो चीजें तुम चुप होकर समझ सकते हो वो बोलकर नहीं, इसलिए खामोश रहो। ध्रुव की बात पर विक्की ने खींचते हुए कहा, जी मैं आपकी तरह महान गुरु देवदत्त नहीं हूँ, मैं सामान्य इंसान विक्की हूँ, तो मुझे आपकी तरह ये गूढ़ ज्ञान की कोई ज्ञान नहीं है।
ध्रुव को लगा कि शायद उसने विक्की को जोर से डांट दिया है और उसने विक्की को मनाते हुए कहा, नहीं विक्की ऐसा नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था और तुम बार बार बोल रहे थे तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था। विक्की ने कहा, भाई मेरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तू आखिर सोच क्या रहा था, क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, दरअसल मैं जब सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर के फ्लोर पर कोई घूम रहा है। मुझे लगा कि शायद माई होगी या घर का ही कोई और होगा, अनन्या के पापा या उसकी माँ कोई भी, तो मैंने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो घूमने की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इधर से उधर भाग रहा है, और फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई गुनगुना रहा है। बहुत सी चीजें एक साथ होने लगी और मुझे समझ नहीं आया। तभी मुझे याद आया कि अनन्या की माँ ने कहा था कि ऊपर कोई नहीं जाता, तो आधी रात को कोई क्यों जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार बाहर निकल कर देखूं। और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सीढ़ियों से चढ़कर कोई ऊपर जा रहा था, और मैं उसके पीछे जैसे ही बढ़ा तो एक बड़ी हैरानी वाली चीज हुई। विक्की ने घबराहट के साथ कहा, क्या क्या हुआ? ध्रुव बोला, जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो रेलिंग को पकड़ते हुए ऊपर चल रहा था, मतलब वो अपने हाथ से रेलिंग को छूते हुए ऊपर जा रहा था। और जब मैं पहुंचा सीढ़ियों के पास तो मैंने देखा रेलिंग पर मोटे धूल की परत जमी थी, जैसे सालों से जगह को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो, जो कि मेरी आंखों के सामने उस रेलिंग को छूते हुए जो कोई भी था, मैं अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया, ऊपर गया था, तो रेलिंग पर वो धूल कहाँ से आई? फिर मुझे ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी लगी, इसलिए मैं ऊपर जा रहा था, और इतने में अनन्या की माई आ गई, और फिर जो हुआ वो तुझे पता ही है। ये सुनकर विक्की अच्छा खासा नर्वस हो गया था। उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, इन सब बातों से तेरा मतलब ये तो नहीं कि इस घर में कुछ? इतना कहकर विक्की चुप हो गया। ध्रुव ने कहा, तुम सही समझ रहे हो, बल्कि जब हम हवेली में आ रहे थे तब मैंने और तारा दोनों ने इस बारे में बात भी की थी। विक्की घबराते हुए बोला, तो हम यहाँ से निकले? और वैसे भी हमें तो यहाँ कल पूजा करके यहाँ से निकलना ही है। और इतना कहकर विक्की चुप हो गया और फिर बोला, अरे नहीं, कई दिनों का अनुष्ठान है ना, तो हमें रहना पड़ेगा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। अगर अनन्या उसके पेरेंट्स पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। ध्रुव हंसता हुआ बोला, प्राइवेसी? हमारी प्राइवेसी क्या है, ये अनन्या से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो इस तरह की बचकानी बातें रहने दो। और तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी मैंने जो यहाँ महसूस किया है ना, वो अपूर्ण शक्ति है, और यहाँ की गतिविधियाँ, यहाँ की हवाएं, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की तलाश में है, एक अजीब सा बंधन है इस जगह पर। विक्की से बातें करते हुए ध्रुव को लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। ध्रुव ने एकदम से विक्की को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव नीचे उतरने लगा। विक्की भी तुरंत नीचे उतरा और धीरे से बोला, क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने खिड़की की तरफ इशारा किया तो विक्की ने भी देखा, पर उस तरफ कोई था, लेकिन विक्की ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक झटके में उसने खिड़की खोल दी और वो हैरान रह गया। उसे लगा था वहां कोई इंसान है, लेकिन उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली उन्होंने देखा बड़ा सा कौवा वहां से उड़ा। खिड़की के दूसरी तरफ बंजर पड़ा हुआ बगीचा था, तो इंसान कैसे खड़ा हो सकता था? ध्रुव हैरानी से बोला, मैंने देखा था यहाँ कोई इंसान खड़ा है। विक्की ने कहा, इंसान था या नहीं से ज्यादा जरूरी ये है कि रात के इस वक्त ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है, चमगादड़ हो तो समझ में भी आए। विक्की ने कहा, ध्रुव देख, तू यहाँ रहना चाहता है, लेकिन देख मुझे तो ये जगह बहुत मनहूस लग रही है, मुझे डर लग रहा है मेरे भाई। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक दस्तक पर ध्रुव ने कहा, तू यहीं रुक, मैं देख लूंगा। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ा, लेकिन विक्की लगातार पीछे था। ध्रुव ने धीरे से दरवाजे को खोला, उन्होंने देखा दरवाजे के बाहर डरी सहमी सी और परेशान सी तारा खड़ी थी। तारा एकदम से अंदर आई और विक्की के गले लग गई। अचानक से तारा को ऐसे देख विक्की भी नर्वस हो गया और ध्रुव ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। विक्की ने तारा की पीठ को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ तारा, तुम ठीक तो हो? तुम पसीने में भीगी हुई और डरी हुई लग रही हो, क्या बात है? कुछ देर तक उसी तरह खड़े रहने के बाद तारा जब कुछ नॉर्मल हुई तो वो विक्की से अलग हुई और घबराती हुई बोली, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तारा की बात सुनकर ध्रुव एकदम से तारा की तरफ पलटा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? तारा ने कहा, हाँ ध्रुव, मेरा यकीन करो, मैं सोई हुई थी, अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चुपके से आया है। मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था। मैंने जब पूछा कि कौन है, क्योंकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, तो वो कुछ नहीं बोली, मुझे बस किसी की फुसफुसाहट की आवाज आई है। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा है और मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, और फिर एकदम से मेरा गला घुटने लगा,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से मेरा गला दबा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागी हूँ। पहले ध्रुव की बात और अब तारा की ऐसी हालत, इनसे विक्की बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन ध्रुव ने तारा से कहा, तुम परेशान मत हो, चलो हम चलकर देखते हैं। तारा डरती हुई बोली, नहीं ध्रुव, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। ध्रुव ने तारा से कहा, चलो मैं और विक्की है ना, देखते हैं। इतना कहकर विक्की और ध्रुव के साथ तारा वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने देखा तारा का कमरा बिल्कुल खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा था। विक्की ने तुरंत अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया और वो लोग तारा के कमरे में गए। तब तारा के कमरे को गौर से देखने लगे, लेकिन तारा के कमरे में कोई भी नहीं था। जैसा कि तारा बता रही थी कि उसे लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई आया भी होगा। विक्की ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। तारा बोली, नहीं कोई सपना नहीं था। लेकिन विक्की के बार बार कहने पर कि तारा का ये सपना ही है, तारा को भी एक बार को लगा कि वाकई में उसका सपना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा था। तभी ध्रुव उस पूरे कमरे को देखता हुआ बोला, नहीं तारा, वो तुम्हारा सपना नहीं था। तुमने जो देखा था वो सच था तुम्हारे लिए, लेकिन जो दिखाया गया था वो माया थी। मैंने कहा था ना तुझसे विक्की, इस घर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमारे आते ही हमारे साथ खेल रहा है, या यूं कहो कि शायद हमें यहाँ से भगाना चाहता है। विक्की ने कहा, क्या मतलब है तेरा? एक मिनट, तूने बंजारन का वशीकरण तो किया था ना, कहीं वही तो हमारे पीछे यहाँ तक नहीं आ गई है? ध्रुव बोला, नहीं विक्की, ये ना बंजारन है ना बंजारन का साया, ये एक नई कहानी है, एक विचित्र सी ताकत जो शायद बंजारन से भी कई गुना ज्यादा है, और शायद हमारे यहाँ होने से उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ सकती है, इसलिए वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। आज पहले दिन ही हमें वो सब कुछ दिखा रहा है जिससे हम इतने भयभीत हो जाएं कि यहाँ रुकने का अपना इरादा बदल दें। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ा और दरवाजे के पास जमीन को छूकर अपने हाथों को देखता हुआ बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे अपना एहसास दिला रहे हो, लेकिन मैं भी मैं हूँ, मैं अभी यहाँ काफी दिनों तक हूँ, तुम्हारे डर से तो मैं भागूंगा नहीं, बस एक बार जान जाऊं तुम हो क्या और कौन हो। एपिसोड 299 गुफा। ध्रुव आगे बढ़ा और दरवाजे के पास जमीन को छूकर अपने हाथों को देखता हुआ बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे अपना एहसास दिला रहे हो, लेकिन मैं भी मैं हूँ, मैं अभी यहाँ काफी दिनों तक हूँ, तुम्हारे डर से तो मैं भागूंगा नहीं, बस एक बार जान जाऊं तुम हो क्या और कौन। तारा वापस ध्रुव के पास आई और बोली, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें यहाँ डर लग रहा है तो तुम हमारे रूम में जाकर सो जाओ, मैं और विक्की यहाँ सो जाते हैं, या नहीं तो विक्की एक काम कर, तू इस रूम से गद्दा ले ले और वहीं तारा के रूम में नीचे बिछाकर सो जा, तारा बेड पर आराम से सो जाएगी। तारा बोली, नहीं नहीं मैं सो जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, इनफैक्ट मैं यहाँ भी सो सकती हूँ, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है, तुम लोग भी जाओ और आराम से सो जाओ। विक्की ने कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम सो जाओगी? तारा बोली, हाँ तुम लोग जाओ। तारा के फोर्स करने पर विक्की और ध्रुव वहां से चले गए। दोनों ने जाकर अपने कमरे में कुछ देर तक इधर उधर की बातें की। उसके बाद मूड डाइवर्ट करने के लिए पाली और वहां की चीजों के बारे में बातचीत करके जुल्मी की शादी में हुई मजाक मस्ती को याद करके हंसते मुस्कुराने की कोशिश करते हुए ध्रुव और विक्की भी सोने की कोशिश करने लगे। विक्की तो जल्द ही सो भी गया, लेकिन ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ध्रुव को अपनी साधना के वक्त दिखाई देने वाली वो चीजें याद आ रही थी जिससे उसे लग रहा था कि एक नई मुसीबत आने को है, और यहाँ आकर इन सब के बीच एक कनेक्शन दिख रहा था उसे, लेकिन वो चाहकर भी इस बारे में ज्यादा कुछ काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके दोस्त पहले से ही डरे हुए थे, और अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चला तो वो और ज्यादा डर जाते, इसलिए ध्रुव ने इन सब चीजों को वक्त के हवाले कर दिया था। ध्रुव गहरी सांस लेकर अपने मन में बोला, जो भी है मुकाबला तो करूंगा। अगली सुबह ध्रुव और विक्की सोए हुए ही थे कि बाहर से चहल पहल की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे सब आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। ध्रुव की आंखें खुल गईं। पहले उसे लगा कि कहीं कोई सपना तो नहीं है, लेकिन फिर उसने देखा सुबह हो चुकी थी और खिड़की से छनकर हल्की हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। ध्रुव ने जैसे ही उठकर दरवाजा खोला, उसने देखा बाहर हॉल में अनन्या के माता पिता के साथ ही माई बैठी हुई थी और वे सब आपस में बातचीत कर रहे थे। ध्रुव को देखते ही अनन्या जल्दी से ध्रुव की तरफ आई और बोली, गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए, मैं अभी तुम्हें उठाने वाली थी, कितनी देर तक सो रहे हो तुम लोग, जल्दी करो, हमें पूजा के लिए भी तो जाना है ना। तुम्हारा तो ठीक है पर तारा भी अब तक सो रही है, एक काम करो ना, तुम विक्की को उठा दो, मैं जाकर तारा को उठा देती हूँ, फिर तुम तीनों जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाना। ध्रुव बोला, अनन्या वो थोड़ी देर हो गई, दरअसल
ध्रुव इतना बोला ही था कि उसे माई अपनी तरफ आती दिखाई दी। माई ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ? लगता है रात में नींद अच्छी नहीं आई। अब रात में भटकोगे दूसरों के घर में तो नींद कहाँ से आएगी? ये सुनकर अनन्या ने कहा, क्या मतलब है आपका माई? माई बोली, आधी रात को तुम्हारा ये दोस्त हमारे घर में घूम रहा था। मैंने सख्त मना किया था कि ऊपर की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ घूम रहा था। अनन्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, माई क्या कह रही है ध्रुव, तुम ऊपर की तरफ क्या कर रहे थे? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, रात में हमने बताया तो था माई को कि विक्की खराटे ले रहा था, तो मुझे अपने सोने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। नीचे सारे रूम ऑक्यूपाइड थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ऊपर का कोई रूम खुला होगा तो मैं वहीं सो जाऊंगा, बस इसलिए। लेकिन अनन्या, आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों के घर में बिना परमिशन इस तरह नहीं घूमना चाहिए था। लगता है माई को मेरी ये हरकत कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई। इससे पहले माई कुछ कहती, अनन्या ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है ना कि माई अकेली रहती है और ऊपर का हिस्सा वो खोलती नहीं है, तो इतने वक्त तक सब बंद है, क्या पता सांप कीड़े हो, बस इसलिए माई ने तुम्हें मना किया होगा। और कोई भी बात नहीं है, और रही बात विक्की के खर्राटों की, तो हमें उसके खर्राटों का इलाज करवाना चाहिए। आज तुम नहीं सो पाए तो उसके साथ कल को तारा नहीं सो पाएगी। इतना कहते कहते अनन्या एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे ख्याल आया कि उसके बगल में माई भी खड़ी है। लेकिन माई इन बातों पर ध्यान दिए बिना ध्रुव को घूरती हुई वहां से चली गई। विक्की भी सब लोगों के शोर शराबे से उठ चुका था और अनन्या की सारी बात भी सुन चुका था। वो जैसे ही बाहर आने को हुआ, उसने देखा माई ध्रुव को घूर रही है। विक्की ने बोला, अनन्या तेरी माई हमेशा से ऐसी है क्या? मेरा मतलब है जस्ट लुक एट हर, इस तरीके से देखती है जैसे अभी अभी खा जाएगी। एंड बाय द वे, तुम लोग उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? अच्छा हाँ, इतनी अजीब है ना, तो इसलिए इनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता होगा। और अनन्या बोली, शट अप विक्की, धीरे बोलो, सुन लेंगी माई तो उन्हें बुरा लगेगा, और हम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं पर वो नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजार दी और इस जगह से उन्हें बहुत लगाव है, तो वो चाहती है आखिरी वक्त में भी वो यहीं रहे। पापा आते रहते हैं उनसे मिलने, मेरा आना नहीं हो पाता, मैं 10th के बाद अभी आई हूँ। लेकिन सच कहूँ तो माई के साथ ऐसा लगता है ना जैसे मुझे कितना सुकून मिल रहा है, कितना प्यार करती है वो मुझसे, और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं भी क्यों नहीं हर बार पापा के साथ यहाँ हूँ। एनीवे, तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई। विक्की ने कहा, सच में माई को देखकर लगता है अनन्या इन्हीं के खानदान से है, कैसी अजीब सी बात करके गई है। अगर ये माई मेरी रिश्तेदार होती तो मैं जन्म में दोबारा लौट कर नहीं आता, और इससे गिल्टी फील हो रही है कि हर बार यहाँ क्यों नहीं आई। ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, चलकर तैयार हो जाओ। ध्रुव ने ये कहा और दोनों तैयार होने चले गए। तब तक तारा भी उठकर फ्रेश हो चुकी थी और रेडी होने चली गई थी। जल्द ही सब बढ़िया से तैयार होकर निकल चुके थे। सब जैसे ही उस महलनुमा घर से बाहर निकले, उनकी नजर बाहर वीरान पड़े बगीचे पर पड़ी। रात में जो भयानक लग रहा था, पर दिन की रोशनी में बहुत ठीक ठाक से उजड़ा हुआ बाग लग रहा था। पूरे घर का पेंट उखड़ा हुआ था और दीवारें काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के पानी ने पूरी दीवारों को काई में तब्दील कर दिया था। ये सब देखकर विक्की के मुंह से एकदम से निकला, अंकल बुरा मत मानिए, वैसे तो आप लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और रिच पर्सन हैं, तो अपने पुश्तैनी घर का कुछ क्यों नहीं करवाते, खासकर तब जब आपकी दादी यहाँ रहती हैं। आपको नहीं लगता आपको घर को थोड़ा कलर करवाना चाहिए, यहाँ का थोड़ा हुलिया चेंज करवाना चाहिए? आई मीन देखिए जगह को, अगर मैंने दिन में से देख लिया होता तो शायद मैं रहता भी नहीं, ये बाहर से ही देखने में कितना डरावना लग रहा है। विक्की की बात को सुनते ही अरुण ने तुरंत कहा, चुप हो जाओ, अगर माई ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। माई को इस घर के आगे कुछ भी सुनना पसंद नहीं, बल्कि इस घर की जो हालत है ना, ये माई ने खुद यूज किया है। वो नहीं चाहती कि इस जगह पर कुछ भी बदलाव हो, ये हमेशा से जैसा था वैसा ही रहे। वो ना तो यहाँ किसी को आने देना चाहती है और ना इस जगह पर कुछ बदलाव करना चाहती है, इसीलिए आगे से चुप रहना। इतना कहकर अरुण आगे बढ़ गए। ध्रुव ने विक्की से कहा, मैंने कितनी बार कहा है विक्की कि चुप रहा कर, क्यों बेमतलब अपना ओपिनियन देता रहता है सबको, सबकी अपनी चॉइस है कि वो कैसे रहना चाहते हैं, इसमें तू या मैं कुछ नहीं कर सकते। विक्की मुंह बनाते हुए बोला, मुझे क्या, मैं तो बस सजेशन दे रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो चला जाऊंगा पूजा पाठ निपटाने के बाद, जिन्हें रहना है वो जाने। माई सबसे आगे थी और माई के साथ अनन्या के माता पिता थे, और अनन्या अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे गिरपुर की सड़कों पर अपने कदम बढ़ा रही थी। चारों तरफ देखती हुई अनन्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा पुश्तैनी गांव कमाल का है? आई मीन देखो ना कितनी नेचुरल ब्यूटी है, ऊंचे पहाड़, घने पेड़ पौधे, आसमान में उड़ते पक्षी, सब कुछ कितना अच्छा है ना, कितना प्यारा है। अनन्या की बात पर विक्की ने अनन्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ समय पहले ऐसे ही डायलॉग तूने पाली में भी दिए थे, तुझे हर जगह जाकर ये सब लगता है, तू ब
बड़ी बोरिंग अनन्या, तेरे पास कोई नई लाइन नहीं है तारीफ करने के लिए। अब मुझे देख, मैं तारा की तारीफ हर मिनट एक नए शब्द के साथ करता हूँ। अनन्या ने एकदम से ध्रुव की तरफ देख कर कहा, कोई हाँ तो करे, मैं तो नए शब्द नए अंदाज में तारीफ करूँ। अनन्या की बात पर ध्रुव ने अपनी नजरें झुका ली और आसपास देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। ध्रुव को इस तरह नजरअंदाज करता देख अनन्या का चेहरा बुझ गया। तारा ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और चलते हुए बोली, फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। तारा अच्छे तरीके से जानती थी कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। ध्रुव के अंदर का देवता तो इन चीजों के लिए रोक रहा है। वो पूरी तरीके से भक्तिभाव और साधना की तरफ जा चुका है और उसकी जिंदगी में ऐसा लग रहा था जैसे इन चीजों के लिए अब कोई स्थान ही नहीं बचा है। तारा की बात सुनकर अनन्या बुझे हुए शब्दों में बोली, कब सही होगा तारा, देखो ना, जल्दी हम यहाँ से जाएंगे और फिर तुम्हारे और विकी के रिश्ते पर विकी की माँ की मोहर लग जाएगी। तुम लोग एक दूसरे के हो जाओगे और यहाँ हमारे बीच बात तक नहीं होती। ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि कभी कुछ ठीक होगा। तारा ने देखा कि विकी बार बार इन लोगों की तरफ देख रहा था और तारा ने विकी को आंखों से इशारा किया और विकी ध्रुव के कंधे पर एकदम से कूदता हुआ बोला, और नीरस व्यक्ति, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में। ध्रुव अच्छे तरीके से समझ रहा था कि विकी क्या पूछ रहा है। ध्रुव ने कहा, तुझे अच्छे से पता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी पूछ रहा है। विकी ने कहा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है। अनन्या की तरफ देख, तेरे इस तरह के एटीट्यूड की वजह से वो कितना डिस्टर्ब रहती है। हंसने मुस्कुराने वाली हमारी चुलबुली अनन्या कहीं खो गई है। आखिर क्यों हो रहा है तू ऐसे और कब तक चलेगा तेरा ये सब नौटंकी। देख ठीक है जो भी है, लेकिन विकी इतना बोला ही था कि ध्रुव ने विकी की आंखों में देखा। विकी को ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी गहराई दिख रही थी, एक ऐसा चेहरा वहां जाकर शायद सब कुछ शांत हो जाता था, जहां जाकर शायद सोचने समझने की शक्ति भी शांत पड़ जाती थी। विकी बस हिप्नोटाइज सा एकटक ध्रुव की तरफ देख रहा था। ध्रुव ने बड़ी ही शांत आवाज में कहा, विकी एक बात अच्छे से समझ ले, अभी अनन्या दुखी है, परेशान है, पर अभी का जरा सा दुख, जरा सी तकलीफें उसे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से बचाने वाली है। मेरे साथ उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ ध्रुव नहीं हूँ। जब तक मैं ध्रुव था, तब मैं खुद चाहता था कि अपनी और अनन्या के रिश्ते को एक मुकाम दूं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ध्रुव की जिंदगी का लक्ष्य बिल्कुल अलग था, देवदत्त की जिंदगी का मकसद कुछ और है। देवदत्त धरती पर इसलिए नहीं है कि वो अपना परिवार बचा सके या संसार में रम जाए। अगर ऐसा हुआ तो देवताओं ने देवदत्त को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं जब देवदत्त के अवतार में था, तब भी मैंने कई जिम्मेदारियों को पूरा किया जो मुझे दिया गया, और कई ऐसी जिम्मेदारियां थी जो अधूरी रह गई थी। लेकिन अब इस बार मुझे उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। मुझे मानव कल्याण के लिए कार्य करना है, मुझे मानव और पारलौकिक शक्तियों के बीच तालमेल बिठाना है। इतना कहकर ध्रुव ने विकी की तरफ से अपनी आंखें फेर ली और विकी को लगा जैसे वो होश में आया हो। विकी ने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूँ, देख हम ना तेरे इस नए अवतार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि तू इतना ताकतवर है, लेकिन जब कभी ये सोचता हूँ कि तू हमारा पहले वाला ध्रुव नहीं है तो दुख होता है। हमें वक्त लगेगा तुझे तेरे नए स्वरूप के साथ स्वीकार करने में। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है विकी, मित्र, समाज, रिश्ते, ये तो देवदत्त के भी थे। हाँ, बस देवदत्त की एक चीज नहीं थी कभी, वो था उनका सांसारिक जीवन, क्योंकि सांसारिक जीवन गृहस्थी इंसान के पैर की बेड़ियां हैं। ये कमजोर बना देंगे मुझे। अगर मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर होगा, तो कोई भी मुझे कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये जो माया है, ममता है, जुड़ाव है, ये मानव को कमजोर करती है। बल्कि मेरी कमजोरी तुम लोग भी हो, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कमजोरियों को बढ़ाऊं। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया और पीछे से विक्की बोला, यही तो तू समझ नहीं पा रहा है। शायद तेरे जैसे जितने लोग होते हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं समझ पाते कि परिवार ताकत है, कमजोरी नहीं। ये भी तुझे समझ में आएगा, वक्त आने दे। तू ही कहता है ना, हर चीज का वक्त होता है, इसका भी वक्त आएगा। ये लोग चलते चलते गिरपुर से काफी आगे आ चुके थे और तभी सभी ने देखा कि चारों तरफ जंगलों से घिरे हुए स्थान पर माई एक गुफा के मुख के बाहर आकर रुकी। एपिसोड 300, रहस्यों का जाल। बातचीत के बीच में ये लोग गिरपुर से निकलकर जंगल से होते हुए एक गुफा के बाहर आकर रुक गए थे। वो जगह चारों तरफ से इतने घने जंगलों से घिरी हुई थी और वहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही पड़ रही थी। सुबह के समय भी शाम सा माहौल था। गुफा के बाहर सब लोग रुके थे। वो गुफा पत्थरों से बंद थी और उस गुफा के बाहर जहाँ तहाँ मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे और मधुमक्खियाँ भी उड़ रही थी। विकी ने घबराते हुए कहा, यहाँ तो बहुत मधुमक्खियाँ हैं, अगर एक ने भी हमें काट लिया ना तो। माई मुस्कुरा कर बोली,
ये किसी को कुछ नहीं करती, बस शांति से खड़े रहना और इनके बारे में कुछ गलत मत बोलना, विकी ने कहा। अच्छा, ये मधुमक्खियाँ क्या बात भी समझती हैं? माई मिस्टीरियस तरीके से बोली। ये तुम्हारी हर बात सुन भी सकती है, समझ भी सकती है, और तो और ये तुम्हारे चेहरे के भाव को भी समझ जाती है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर मुँह खोलना, अब चुपचाप खड़े रहो। ये सुनकर विक्की सकपका कर चुप हो गया और चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि आखिर अब यहाँ क्या होने वाला है। विक्की ने देखा काफी देर तक माई के साथ साथ अनन्या के पापा और माँ और अनन्या खुद भी चारों एक लाइन से खड़े उस गुफा के बाहर दोनों हाथों को नीचे किए आपस में जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। विक्की ने अपने बगल में खड़ी तारा से कहा, ये कैसी पूजा हो रही है तारा? तारा बोली, पता नहीं, हो सकता है इनका कोई रिचुअल हो, देखते हैं। वैसे अगर ये मंदिर है तो ये बंद क्यों है? विक्की ने कहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो ऐसी जगह पर है, और ये किस हुलिये में है, ना कोई मंदिर का पताका, ना कोई घंटी, ना कोई धूप अगरबत्ती की खुशबू, ऐसा कुछ भी तो नहीं लगा है यहाँ। तारा बोली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर पताका नहीं है, धूप अगरबत्ती की खुशबू नहीं है तो ये मंदिर नहीं हो। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो ऐसे जंगल और गुफाओं में हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। वहाँ एक से एक साधु महात्मा तपस्या और पूजा करते हैं, जहाँ पर जाना बहुत कठिन और दुर्गम होता है। हो सकता है इन लोगों का ऐसा ही एक कुल देवता का मंदिर हो। तारा की बात में लॉजिक था, इसलिए विक्की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो लोग बस देखने लगे कि आखिर माई और बाकी सब अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को तो किसी भी पूजा से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। काफी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद इन लोगों को अपना सिर भारी होता हुआ सा महसूस हुआ। तारा अपना सिर थामती हुई बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा सिर भारी हो रहा है और सब कुछ घूम रहा है? विक्की ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, धुंधला धुंधला सा सब कुछ लग रहा है। तब एकदम से माई पीछे पलटी और बोली, अब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तुम लोग भी मेरे पीछे दोहराना, और जैसे ही द्वार खुलेगा सब मेरे साथ भीतर प्रवेश कर जाना। माई की बात सुनकर तारा और विक्की दोनों ने खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तभी माई ने कहा, वो कहाँ गया? और माई के साथ ही अनन्या भी चौंकती हुई बोली, विक्की तारा ध्रुव कहाँ है? विक्की और तारा ने देखा कि ध्रुव जो उनके साथ ही था वो कहीं नहीं था। विक्की बोला, यही तो था। विक्की को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, और माई उन दोनों को देखती हुई बोली, जाओ यहाँ से, जाओ और उसे ढूंढो, जाओ। विक्की और तारा दोनों ही बड़ी मुश्किल से एक दूसरे का हाथ थामे वहाँ से ध्रुव को ढूंढने के लिए निकले। कुछ आगे जाकर ही वो लोग बिल्कुल ही सामान्य हो गए। विक्की ने कहा, ये क्या हुआ एकदम से? पहले ऐसा लगा जैसे हमें कुछ हो रहा है और अब हम बिल्कुल ठीक हो गए। तारा बोली, हाँ हो सकता है, हमने रात में भी ढंग से कुछ नहीं खाया था और सुबह से भी खाली पेट घूम रहे हैं, तो धूप और बाकी थकान की वजह से वीकनेस हो गई हो। एनीवे, फिलहाल तो ध्रुव को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चला गया, हमारे साथ ही तो था। तभी दोनों ने देखा अनन्या और बाकी सभी उनकी तरफ से आ रहे हैं। अनन्या जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई बोली, क्या हुआ, ध्रुव का कुछ पता चला? विक्की बोला, नहीं यहाँ तक तो नहीं दिखा। अनन्या ने कहा, ध्रुव कहाँ हो तुम? अनन्या के साथ ही विक्की और तारा भी ध्रुव को आवाज लगाने लगे, लेकिन ध्रुव का कोई रिप्लाई नहीं आया। अनन्या बोली, ये कहाँ चला गया, ये इतनी जल्दी अनजान जगह पर कहीं भी कैसे जा सकता है? विक्की ने झल्लाते हुए कहा, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, वो ध्रुव है, उसे ना बेमतलब में मुसीबत में पड़ना और मुसीबत को बुलाना दोनों ही पसंद है। तारा विक्की को संभालती हुई बोली, सीरियसली विक्की, ध्रुव मुसीबत में पड़ने या मुसीबत को बुलाने नहीं गया है, हो सकता है उसने देखा होगा कि अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई है तो आसपास एक्सप्लोर कर रहा हो। ये लोग अभी ध्रुव को आवाज लगा ही रहे थे कि माई हमेशा की तरह एक रहस्यमय भाव अपने चेहरे पर लिए अपनी लाठी को लिए हुए उनके नजदीक आई और बोली, क्या हुआ, नहीं मिला? अनन्या परेशान होती हुई बोली, नहीं माई, पता नहीं कहाँ चला गया। माई ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, परेशान मत हो, अगर इस जंगल में या आसपास कहीं है तो कहीं खो नहीं सकता, आओ मेरे साथ। माई चारों तरफ देखते हुए चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ने लगी और सब उनके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा रहे थे। माई धीरे धीरे गुफा से आगे बढ़ चुकी थी और यहाँ जंगल और घना होता ही जा रहा था। विक्की ने अनन्या से कहा, अनन्या ऐसा लगता है जैसे तू धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में रहती है, ये कैसी अजीब सी जगह है और ये कैसा जंगल है, मैंने इतने सारे जंगल एक्सप्लोर किए हैं लेकिन ऐसा जंगल मैंने आज तक नहीं देखा। विक्की की बात पर अनन्या अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर विक्की, एक तो पहले ही ध्रुव नहीं मिल रहा है और ऊपर से तेरी शिकायतें खत्म नहीं होती, हमने भी इतना बहुत से ढक्कन देखे लेकिन तेरे जैसा ढक्कन तो नहीं देखा, लेकिन हमने शिकायत की क्या? माई काफी आगे जाने के बाद एक बड़े विशाल पेड़ों के झुंड के बीच रुक गई और बोली, यही कहीं है वो, देखो यही मिलेगा। माई की बात में इतना यकीन देखकर तारा ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा,
माफ कीजिएगा, लेकिन आपको क्यों लगता है ध्रुव यहाँ आया होगा, वो भी ऐसी जगह? माई मुस्कुराते हुए तारा को देखकर बोली, मुझे उत्साहित बच्चे बहुत पसंद हैं। जिन बच्चों के मन में बहुत सवाल हो, जिज्ञासाएं हो, उन्हें शांत करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना बेटी, अभी समय नहीं है तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने का। अभी अपने दोस्त को ढूंढो, हमें वापस जाकर पूजा भी करनी है। तारा बिना कुछ बोले अनन्या के साथ ध्रुव को ढूंढने लगी। विक्की भी ध्रुव को आवाज लगा रहा था। अरुण और नैना भी चारों तरफ घूमकर ध्रुव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माई जहां थी वहीं खड़ी थी और बस वहीं से चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रही थी। काफी देर तक जब ध्रुव नहीं मिला तो विक्की ने कहा, माई आप तो बड़े यकीन के साथ कह रही थी कि ध्रुव यहीं है, कहां है वो, हमें तो कहीं नहीं मिल रहा। अनन्या भी थक कर वापस आ गई थी और वो भी विक्की की तरह ही सवाल कर रही थी कि आखिर ध्रुव कहां है। लेकिन तारा बड़े ही ध्यान से चलती हुई वहां से उठकर हर पेड़ हर टीले के इर्द गिर्द देखती कि कहीं वाकई में ध्रुव यहीं तो नहीं। लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि ध्रुव यहाँ नहीं है तो वो भी वापस मुड़ी। लेकिन वो जैसे ही वापस पलटने को हुई तभी उसकी नजर ध्रुव की चप्पल पर पड़ी। वो देख तारा एकदम से बोली, ध्रुव की चप्पल यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, अगर उसकी चप्पल यहाँ है मतलब वो भी यहाँ है, पर कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? अगर वो किसी मुसीबत में होता तो उसकी दोनों चप्पल इस तरीके से नहीं होते, जैसे वो इन्हें उतार कर कहीं गया हो। तारा ने धीरे से आवाज लगाई, ध्रुव क्या तुम यहाँ हो? ध्रुव तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? लेकिन अभी भी ध्रुव की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। तारा ने देखा जहाँ ध्रुव का चप्पल था वहाँ एक बहुत ही मोटा सा और बहुत पुराना अशोक का पेड़ था। तारा हैरानी से बोली, इस पूरे जंगल में कहीं भी मुझे अशोक आम या कोई भी पवित्र पेड़ तो नहीं देखा, ये यहाँ इकलौता पेड़ है। इतना सोचते हुए तारा उस पेड़ के नजदीक जैसे ही गई उसने देखा पेड़ के दूसरी तरफ जमीन पर पालथी दिए बैठा हुआ ध्रुव अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न था। तारा ने धीरे से आवाज लगाई, ध्रुव। तारा ने एक दो बार और आवाज लगाई लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली और तब उसने धीरे से ध्रुव के कंधे को छुआ और ध्रुव की आंखें एकदम से खुल गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। तारा ने एकदम से ध्रुव के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और बोली, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था तुम्हारा ध्यान भंग करूं, लेकिन तुम एकदम से गायब हो गए और अनन्या की पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है, कह रही है कि जल्द से जल्द पूजा शुरू करनी है। तारा की बात सुनकर ध्रुव का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और वो अपनी आंखें बंद कर सामान्य होता हुआ बोला, नहीं कोई बात नहीं तारा, मैं काफी वक्त से ध्यान नहीं कर पा रहा था। ये जंगल मुझे ना बहुत रहस्यों से भरा लग रहा है और जिज्ञासा में घूमता हुआ इधर आ गया और तभी मेरी नजर अशोक के पेड़ पर गई और मैं यहाँ ध्यान में बैठ गया। ध्रुव और तारा बात कर ही रहे थे कि तब तक बाकी सब भी वहां पहुंच गए थे। माई ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव के कुछ बोलने से पहले ही तारा बोली, कुछ नहीं, ये कह रहा था कि हम लोग गुफा के बाहर खड़े थे तो फिर इधर उधर घूमने निकल गया। वैसे भी इसकी आदत है, ये कहीं भी एक जगह खड़ा होकर नहीं रह सकता, इसको चीजों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। क्यों अनन्या, तुम तो जानती ही हो ध्रुव की आदत। अनन्या बोली, माई ये ध्रुव की आदत है, एनीवे अब तो ये मिल गया ना। ध्रुव अगर तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो चले। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और माई ने कहा, जल्दी चलो सब वापस, जल्दी जल्दी उस गुफा की तरफ बढ़ चले। जल्द ही गुफा के बाहर पहुंचकर माई ने उन सब से कहा, सब खामोश रहना और जैसे ही गुफा का द्वार खुले मेरे पीछे सब एक साथ आना और ध्यान रहे किसी चीज को हाथ मत लगाना। माई अरुण नैना और अनन्या सब एक बार फिर सिर झुकाकर हाथों को नीचे किए हुए गुफा के बाहर खड़े हो गए। माई के होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोल रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे से कुछ घसीट रहा हो और धीरे धीरे उस गुफा के द्वार से पत्थर एक तरफ हटने लगा। गुफा के भीतर बिल्कुल अंधेरा था और ये देखकर विक्की बोला, यहाँ इतना अंधेरा? विक्की इतना बोला ही था कि माई ने एकदम से पीछे पलटकर विक्की को घूर कर देखा और होंठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा। तभी विक्की एकदम से सकपका कर चुप हो गया। माई अपने कदम उस गुफा की तरफ बढ़ाने लगी। माई के पीछे पीछे एक लाइन में बाकी सब भी गुफा के अंदर चले गए। ध्रुव ने अपने कदम जैसे ही उस गुफा के अंदर रखे वो तुरंत पीछे हट गया। ध्रुव के कदम रखते के साथ ही माई जो सबसे आगे थी वो ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई और ध्रुव से बोली, तुम नहीं, तुम यहीं खड़े रहो। ध्रुव ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों, पूजा तो हम सबको करनी है ना? माई बोली, मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं आओगे, मेरा मतलब है किसी एक का यहाँ रहना जरूरी है। इसके द्वार खुले हैं और कोई भी जीव जंतु या कोई भी इस गुफा के अंदर प्रवेश न करे, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम यहीं खड़े रहो। इतना कहकर माई गुफा के अंदर चली गई और ध्रुव की आंखों से ओझल हो गई। ध्रुव उस पूरी गुफा को देखने लगा और अपनी आंखों को बंद करके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ध्रुव की आंखें खुली, उसकी आंखों में बहुत से भाव दिख रहे थे
उलझन के, घबराहट के और भी कई तरह के। ध्रुव उस गुफा के भीतर झांकने की कोशिश करता हुआ बोला, ये कैसा चाल है? यहाँ ऐसा रहस्य है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे इन पहेलियों से मेरा वास्ता रह चुका है पहले भी, लेकिन मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा। हे ईश्वर, एक नई पहेली मेरे सामने आकर खड़ी हो रही है, इसको समझने में मेरा साथ देना प्रभु।